गुड मॉर्निंग एवरी वन होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट पार्ट वन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉक टेस्ट पेपर एमसी क्यूज एंड नाउ आई बी डिस्कसिंग योर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ठीक है रिलेटेड टू इनकम टैक्स फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जी एस टी भी डिस्कस करेंगे ओके दीज आर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर वन इज कंपल्सरी है और बाकी के तीन क्वेश्चन में से आपको दो क्वेश्चन करने हैं होते हैं ठीक है बट इस वीडियो में हम लोग इस लेक्चर में हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ सॉल्व भी करते रहें ओके क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर मिस्टर राकेश एज फोर्टी फाइव ईयर्स रेजिडेंट इंडियन सीनियर सिटीजन नहीं है नॉर्मल ठीक है नॉर्मल प्रोविजन लगाइएगा स्लैब रेट लगाना होगा तो टू पॉइंट फाइव लाख का ही लगेगा ठीक है सीनियर सिटीजन नहीं है एसएससी ठीक है रेसिडेंट पर्सन हैज़ प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग इफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो हमें कुछ इफॉर्मेशन गिवन होती है जनरली आप लोग जानते हैं कि कंपलसरी जो क्वेश्चन होता है जनरली हमें देखते हैं कि वो टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है तो हमारी एक से ज़्यादा हेड से इनकम आती है और हमें टोटल इनकम निकालनी होती है क्वेश्चन अगर कहता है और हमेशा ये देख लेना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते समय एकदम शुरू में आपको ये देख लेना चाहिए इनफैक्ट जब आपको फिफ्टीन मिनट्स मिलते हैं तब आप प्लीज़ ये जज कर लिया कीजिए कि क्वेश्चन ने हमसे मांगा किया है ठीक है तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और क्वेश्चन ये कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम तो यहाँ पर हमें टोटल इनकम निकालनी है एस की और साथ साथ टोटल इनकम के बाद उनकी टैक्स लाइबिलिटी भी निकालनी होगी स्टूडेंट्स गलती क्या कर लेते हैं वो एकदम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं और अगर आपको ये ध्यान रहे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है टोटल इनकम निकालने का प्लस टेक्स लाइबिलिटी निकालने का तो फिर अकॉर्डिंगली आप लोग चलते हैं प्रेजेंटेशन फिर भी आप फिर अकॉर्डिंगली करते हैं तो हमेशा पहले देख लिया कीजिए जब भी क्वेश्चन पढ़े तो सबसे पहले ये देख लिया कीजिए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है तो यू आर रिक्क्वायड टू कम्प्यूट टोटल इनकम ऑफ द एस एस सी एंड टेक्स लाइबिलिटी अंडर नॉर्मल प्रोविजन एज वेल एज अंडर सेक्शन वन वन फाइव बी एस सी वन वन फाइव बी एस सी क्या होता है एज पर न्यू स्कीम तो यहाँ पर आपसे मांगा गया है कि नॉर्मल प्रोविजन्स के अकॉर्डिंग इनका टोटल इनकम कितनी है प्लस लाइबिलिटी कितनी आएगी टैक्स की और साथ साथ में वन वन फाइव बी ए सी के अकॉर्डिंग मतलब न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग कितनी इनकम और टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी लिखा हुआ है इग्नोर एम टी ठीक है ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स को हमें इग्नोर करना है और बाकी इफॉर्मेशन गिवन है चलिए अब हम इनफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि हमें कौन कौन सी इनकम के बारे में या कोई डिडक्शन्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन है तो अकॉर्डिंगली अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है जल्दी से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक किताब लिखी है और उनकी इनको रॉयल्टी मिली है अब जैसी बुक्स के ऊपर रॉयल्टी की बात आती है आपको एक सेक्शन याद आता होगा eighty Q Q B eighty Q Q B में deductions मिलती है अगर असेसी एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो रेसिडेंट इंडिविजुअल को 80QQB में डिडक्शन मिलती है ठीक है चैप्टर 6A RRB क्या होता है रॉयल्टी अदर देन बुक्स ठीक है जानते हैं ना सब लोग RRB होता है 80 RRB रॉयल्टी अदर देन बुक्स 80 QQB होता है रॉयल्टी ऑन बुक्स बुक्स के लिए मिलती है बट अगर इंडिविजुअल असेससी प्लस रेसिडेंट हो सर ये तो अब्रॉड से रॉयल्टी आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर अब्रॉड से भी रॉयल्टी आ रही है तो भी हमारी इनकम बनती है और डिडक्शन्स भी मिलती है और हम ये भी जानते हैं कि अगर आपको अब्रॉड से आ रही है तो हम डिडक्शन्स तभी देते हैं कि अगर आपकी इनकम सिक्स मंथ्स के अंदर आ गई हो प्रीवियस ईयर एंड होने से सिक्स मंथ्स के अंदर जैसे प्रीवियस ईयर एंड होता है थर्टी मार्च ट्वेंटी में तो अगर आपके सिक्स मंथ्स इसमें ऐड कर लीजिएगा थर्टी एथ सेप्टेंबर ट्वेंटी तक अगर आपके बाहर से पैसे आ गए हैं फॉरेन करेंसी में तो हम आपको एट्टी क्यू क्यू बी की रिडक्शन अलाउ कर देते हैं ठीक है इंडिया से रॉयल्टी आ रही है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर इंडिया के बाहर से आ रही है तो विद इन सिक्स मंथ आने आनी चाहिए ये बात इंपॉर्टेंट थी एट्टी क्यों क्यू बी में दूसरी इंपॉर्टेंट बात प्लीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी सर टोटल इनकम निकालनी है कैसे नॉर्मल स्कीम के अकॉर्डिंग भी और न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग भी न्यू स्कीम का सेक्शन याद हो गया सेक्शन वन वन फाइव बी ए सी तो जब आप नॉर्मल स्कीम और न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो इनकम तो है डिडक्शन तो 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 नहीं मिलती इनफैक्ट पूरा का पूरा जो चैप्टर है एट्टी सी से लेकर एट्टी यू की डिडक्शन न्यू स्कीम में नहीं है एक्सेप्ट दो सेक्शन है ऐसे न्यू स्कीम में डिडक्शन मिल जाती है याद है आपको ठीक है याद कीजिए अगर याद नहीं है तो और याद है तो बहुत अच्छी बात है एट्टी सी सी डी टू और एट्टी डबल दो सेक्शन ऐसे हैं जिसके आप न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग भी डिडक्शन ले सकते हैं अगर न्यू स्कीम में आप कम्पिटिशन कर रहे हैं तो इसके अलावा एट्टी सी से लेकर एट्टी यू सॉरी नॉट अलाउड न्यू स्कीम में अलाउड नहीं है बट नॉर्मल स्कीम में तो अलाउड होते हैं एट्टी सी से लेटी यू याद आ आगे ये बातें चलिए अच्छा दूसरा एक स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि सब जो रॉयल्टी इनकम होती है किसी ऑथर की क्या ये पी की इनकम माने या फिर इसको आई माने ठीक है जैसा आपको ठीक लगे आप मानिएगा दोनों ही सही हैं देखिए होता क्या है ठीक है अगर नॉर्मली बात करता हूँ मैं तो अगर किसी भी व्यक्ति का ठीक है इफ देर इज एनी इंडिविजुअल हु इज मेनली इनटू राइटिंग बुक्स उनका मेन प्रोफेशन बुक्स ही लिखना है वो ऑथर हैं उनका मेन प्रोफेशन है बाकी दूसरी इनकम थोड़ी बहुत आती है उनकी आई एस वगैरह की इंटरेस्ट वगैरह की बट मेन उनकी सोर्स ऑफ इनकम अगर किताबें लिखना ही होता है तो देन वी कैन से दैट दिस इज हिज प्रोफेशन तो उनकी पी की इनकम आ जाएगी ठीक है आप पी में ले मिले जाइए बट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पार्ट टाइम बुक लिख लेता है उसका बाकी दूसरे भी बिजनेस चल रहे हैं और दूसरे इनकम भी आती है उसका ये मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो हम प्रैक्टिकली इसको फिर आई ऑफ एस मानते हैं ठीक है तो इसको आप पीजीबी भी मान सकते हैं आई ऑफ एस भी मान सकते हैं सर एग्जाम में क्या करेंगे आप दोनों में से जो भी चूज़ करेंगे ना दोनों ही ठीक है वेदर यू कैन क्लेम शो इट अंडर पी जी बी पी और यू कैन शो इट अंडर आई एफ ओ एस कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों में ट्रीटमेंट सेम है जो भी रॉयल्टी इनकम है वो हमारी इनकम बनेगी जो हमारे एक्सपेंसेज हुए हैं दोनों में ही अलाउड होते हैं तो आपकी जो नेट इनकम निकल के आएगी रॉयल्टी की वो वेदर यू आर ट्रीटिंग इट एज पी जी बी पी तो भी सेम होगी वेदर यू आर ट्रीटिंग इट एज एज़ आई एफ ओ एस तो भी सेम होगी ठीक है तो कोई प्रॉब्लम मत मानिएगा ठीक है तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि अगर एस के दूसरे बिजनेस वगैरह भी हैं तो हम इसको आई एफ ओ स्की मान लेंगे ठीक है अगर पीजीबी मानेंगे तो कोई गलती नहीं है हाँ बट नॉर्मल के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्कीम के अकॉर्डिंग इनको की डिडक्शन जरूर दे दीजिएगा आप लोग तो ही रिसीव रॉयल्टी ऑफ टू लाखी एट थाउजेंड फ्रॉम अब्रॉड फॉर अ बुक ऑथर्ड बाय हिम इन द नेचर ऑफ आर्टिस्टिक ठीक है नॉर्मल बुक थी टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं थी तो इनको एट्टी क्यू क्यूबी तो मिल जाएगा बट रॉयल्टी इनकम को कोट थाउजेंड को आप इसको इनकम जरूर बनाइएगा अगर इसमें कुछ एक्सपेंसेस दिए होंगे तो एक्सपेंसेस माइनस कर लीजिएगा ठीक है मैं ने जैसे लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ये थोड़े मैं थोड़ी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी जिसमें मैं आपको कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर करता हुआ चलूंगा द रेट ऑफ रॉयल्टी इज एटीन परसेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक्स अब ये बात भी हमें समझ में आती है ठीक है एट्टी क्यू क्यू बीच अब हम पढ़ते थे तो वहां पर यह लिखा हुआ था कि अगर आपको रॉयल्टी मिली है बुक्स के ऊपर तो डिडक्शन मिल जाएगी बट जब आप इनकम कंसिडर करेंगे तो मैक्सिमम फिफ्टीन परसेंट ही करेंगे तो ये जो टू लाख एटी एट थाउजेंड है वो कितना है एटीन परसेंट के बराबर बट आप मैक्सिमम इसको फिफ्टीन परसेंट ही लेंगे वो हम लोग देख लेंगे अभी जब हम इसको प्रेजेंट करेंगे अभी एक्सपेंडिचर मेड फॉर अर्निंग दिस रॉयल्टी वॉज फोर्टी आप फोर्टी के एक्सपेंसिस अलाउड होते हैं वेदर यू आर ट्रेटिंग इट एज पी और यू आर ट्रेडिंग इट एज एन आई प्लीज़ इसके एक्सपेंसिस माइनस कर दीजिएगा तो इनकी इनकम बनेगी टू

तो हम लोग ये बोलते हैं कि अगर आपके इंडिया के बाहर से रॉयल्टी रिसीव हो रही है तो विद इन सिक्स मंथस ही आएगी तभी हम एट्टी क्यू क्यू बी में डिडक्शन देंगे क्यू क्यू बी फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन एट्टी क्यू क्यू बी आई एम एम्फिंग ऑन दिस पॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ एट्टी क्यू क्यू बी जब आप एट्टी क्यू क्यू बी में डिडक्शन देंगे तो फिर इनकी इतनी ही रॉयल्टी इनकम लीजिएगा जो विद इन सिक्स मंथ आ जाती है ठीक है विद इन सिक्स मंथ सिक्स मंथ अब एड करेंगे तो आ जाएगा थर्टीथ सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो जब हम एट्टी क्यू क्यू बी में डिडक्शन देंगे ठीक है तो जब हम रॉयल्टी इनकम कंसिडर करेंगे तो फिर वो टू थर्टी तक ही कर सकते हैं ज्यादा नहीं कर पाएंगे ठीक है क्यों क्योंकि इन सिक्स मंथ इतना ही फॉरन करेंसी में आया होगा ठीक है अभी मैं इसको जब प्रेजेंट करूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है बातें समझ गए फर्स्ट पॉइंट मैंने अभी तक आपको रीड कराया है तो रॉयल्टी इनकम तो टू एट माइनस फोर्टी थाउजेंड ही बनेगी वेदर यू आर यू और इनकम बना दीजिएगा नॉर्मल के अकॉर्डिंग एट्टी क्यू क्यूबी में डिडक्शन देंगे वो आप देखते हैं थोड़ी देर बाद सेकेंड पॉइंट ही ओन्स सॉरी ही ओन्स एंड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टेब्लिशन एस एड एंड विच हैज कमेंड ऑपरेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर दाइनेंशियल the total turnover of the undertaking was 200 lakh which includes 140 lakh from export turnover this industrial undertaking fulfills all the conditions of section 10aa of the income tax act 1961 profit from this industry is 25 lakh क्या समझ में आता है आपको एससी जेड के बारे में आपने पढ़ा था सेक्शन 10aa में देखो यहाँ पर सेक्शन भी यहाँ पर रेफर कर दिया गया है वैसे सेक्शन 10aa इंपॉर्टेंट है आपको याद होना चाहिए अब 10aa में हम लोग पढ़ते थे ठीक है टेन डबल ए में हम लोग पढ़ते थे कि एस सी जेड में अगर आपकी यूनिट है तो आपको डिडक्शन्स मिल जाती है ठीक है शुरू के पाँच साल फिर पाँच साल फिर पाँच साल इस तरीके से करके आपको ठीक है पंद्रह साल में वो डिडक्शन्स मिलती थी और ये एटीन नाइनटीन में बिज़नेस शुरू, शुरू हुआ एटीन नाइनटीन प्रीवियस ईयर एटीन नाइन्टीन में बिज़नेस शुरू हुआ मेरे ख्याल से शुरू के पाँच साल में ही हम लोग आ रहे हैं नाइनटीन ट्वेंटी 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 वन 2021 वाला ईयर चल रहा है मतलब हमारा ये थर्ड ईयर है तो 100 परसेंट डिडक्शन मिल जाएगी रिलेटेड टू तो एक्सपोर्ट टर्नओवर तो ये डिडक्शंस भी हम लोग देखें अड्डन नॉर्मल स्कीम टेन डबल ए की जब डिडक्शंस मिलती है ये भी नॉर्मल स्कीम में मिलती है न्यू स्कीम में तो टेन डबल ए भी नहीं मिलेगा ठीक है हाँ बट इनकम तो बन जाएगी कितनी इनकम है सर टू लाख टू लाख इनकम नहीं है टू लाख टर्न है हम सेल्स टैक्स भी पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स ठीक है इनकम कितनी है हमारी सर 140 लाख अरे 140 लाख एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो सेल्स है जो हमारा प्रॉफिट है वो इनकम है तो 25 लाख की इनकम हमारी पीजीबीपी की बनेगी 25 लाख तो पी बनेगी वेदर यू आर टेकिंग इट अंडर नॉर्मल स्कीम या फिर न्यू न्यू स्कीम एग्जिस्टिंग में ले न्यू स्कीम में ले दोनों में पच्चीस लाख तो पी की इनकम बना बनाना ही बनाना ठीक है बाद में जब हम इनको एक्जामेशन देंगे टेन ए की वो सिर्फ हम नॉर्मल स्कीम में देंगे न्यू स्कीम में नहीं देंगे ये भी बात समझ में आ जाती है आपको और मुझे यहाँ पर एक और बात समझ में आ गई कि रॉयल्टी इनकम को ना मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा आई में ले जाऊँ क्योंकि ऑलरेडी इनकी पी भी इनका दूसरा बिजनेस चल रहा है तो वो इनका मेन बिजनेस होगा ठीक है तो बुक्स वाला मैं आई में ले जा सकता हूँ सर अगर हम इसको पी जी में ले जाएं तो क्या होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है आप पी जी में भी रख सकते हैं इसको पी जी पी वन इसको पी जी बी टू मान सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर उसको वन इसको टू माने कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसा भी कर सकते हैं ठीक है बट ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि इनका यहाँ से इनका मेन बिजनेस चल रहा है तो इसको पी भी रख लेते हैं इसको आई रख लेते हैं वो ज्यादा अच्छा है सर पी जी बी माना है, तो नंबर नंबर नहीं कटेंगे पूरे नंबर आने चाहिए आपके ठीक है ही ऑल्सो सोल्ड अ वेकेंट लैंड कैपिटल गेन की भी इनकम आ गई एस एस सी की ही ऑल्सो सोल्ड अ वेकेंट लैंड ऑन टेन इलेवन ट्वेंटी ट्वेंटी ड्यूरिंग द ईयर हमारे नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी वन में प्रीवियस ईयर में इन्होंने थर्टीन लाख का लैंड बेचा द स्टैप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द लैंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर सेवनटीन लाख सत्रह लाख इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी अब एक सेक्शन और हमारा रेफर हो जाएगा फिफ्टी सी क्या आपको याद है फिफ्टी सी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कैपिटल गेन का ठीक है और जब हम कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ते हैं तो मैं बताता हूँ वहाँ पर कि फिफ्टी सी के काफी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं फ्रीक्वेंटली तो फिफ्टी सी आपको याद होना चाहिए सेक्शन फिफ्टी सी में ये कहता है कि अगर आपकी स्टैंप वैल्यू ज़्यादा है और आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेलिंग प्राइस कम है तो हम आपकी स्टैंप वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं एज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ठीक है और हाँ इसमें टेन परसेंट का ग्रेस चल सकता है टेन परसेंट का ग्रेस अलाउड होता है अगर टेन परसेंट से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है तो फिर हम आपकी एक्चुअल वैल्यू ही ले लेते हैं बट अगर टेन परसेंट से ज़्यादा का डिफरेंस है तो हम आपकी सेवनटीन लाख जो आपकी स्टैंप वैल्यू है वो लेंगे अब देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है सर थर्टीन लाख हमारी वैल्यू हमने सेलिंग प्राइस बताया एक्चुअल पर 17 लाख ,00 हमारा स्टेम्प वैल्यू है तो दोनों में जो डिफरेंस हुआ वो हुआ चार लाख का डिफरेंस अब जरा टेन परसेंट देखिए थर्टीन लाख का टेन परसेंट कितना होता है एक्चुअल सेलिंग प्राइस का टेन परसेंट एक्चुअल सेलिंग प्राइस का टेन परसेंट देखना है कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसका टेन परसेंट देख लेते हैं स्टेम्प वैल्यू का नहीं एक्चुअल सेलिंग प्राइस का टेन परसेंट देखिए तो थर्टीन लाख ,00 का टेन परसेंट कितना होता है वन पॉइंट थ्री लाख तो वन पॉइंट थ्री लाख से ज़्यादा डिफरेंस है कितना डिफरेंस है यहाँ पर चार लाख ,00 का तो सर हम तो फिर ये वैल्यू नहीं लेंगे फिर तो हम 17 लाख को ही कंसिडर करेंगे एज ए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड लाख थी लैंड एक्वायर किया गया था 2001 से भी पहले अगर 2001 से भी पहले एक्वायर किया गया था लैंड तो फिर हम क्या करते हैं जिसकी जितनी इसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है उसको कंपेयर करते हैं वन फोर टू की फेयर मार्केट वैल्यू से तो वन फोर टू की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है

कॉस्ट का पार्ट बन जाती है तो इनकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई 1.75 प्लस 20,000 याद है आपको ये बातें तो उस समय जब इन्होंने 95 में परचेज किया था तो एक लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड का खर्चा किया था प्लस बीस हजार के रजिस्ट्रेशन चार्जेस किए थे तो ये भी वैल्यू में ऐड हो जाता है यानी कि इनकी एक्चुअल कॉस्ट बनी वन लाख ये इनकी नाइनटीन की वैल्यू थी बट क्योंकि ये 2001 से पुरानी वैल्यू है तो हम 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू भी देखेंगे जो कि हमें पाँच लाख दी गई है और विच एवर इज हायर लेनी है लेनी होती है कॉस्ट हमें तो पाँच लाख हमारी कॉस्ट आ जाएगी समझ रहे हो कैपिटल गेन कैसे करेंगे आप लोग हमें सी आई गिवन होते हैं हमेशा क्वेश्चन में ही रिसीड फोर्टी थाउजेंड एज इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट सेविंग बैंक डिपॉजिट का चालीस हज़ार का इंटरेस्ट है कौन से हेड में हाई ऑफ ओ एस और साथ साथ में जैसी सेविंग बैंक का नाम आता है तो एटी टी टी ए एट्टी टी टी ए की भी डिडक्शन मिलेगी बट नॉर्मल स्कीम में डिडक्शन दीजिएगा प्लीज़ न्यू स्कीम में मत दीजिएगा ठीक है मैक्सिमम दस हज़ार की मिलती है आपको सीनियर सिटीज़न तो यहाँ पर है नहीं सीनियर सिटीज़न के लिए एट्टी टी टी भी होता है याद आ रहा है आपको पुरानी बातें ठीक है ही ऑक्यूपाइज ग्राउंड फ्लोर ऑफिस रेसिडेंशियल मुझे लग रहा है हाउस प्रॉपर्टी भी की इनकम आ गई तो यहाँ से हमारी आई एफ ओ एस की इनकम आई यहाँ से हमारी कैपिटल गेन की सॉरी तो पी जी बी पी इनकम आई मैं लिख लूँ ये बातें फर्स्ट पॉइंट में हमारी आई एफ ओ एस की इनकम आ रही है ये हमारी पी जी बी पी ऊपर वाली इनकम को ना आप पी जी बी मान सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है दो तीन बार मैंने अब ये बात रिपीट कर दी है यहाँ से हमारी कैपिटल गेन की इनकम आ रही है यहाँ से हमारी फिर आई एफ ओ एस की आ गई और इधर से मुझे हाउस प्रॉपर्टी लग रही है फिफ्थ ही ऑक्यूपाइज ग्राउंड फ्लोर ऑफिस रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड लेट आउट फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर इनका खुद ही सेल्फ ऑक्युपाइड है ठीक है उसकी तो आप एन ए लेते हो ठीक है अगर आप एक ही घर अलग अलग उसके यूनिट्स हैं अलग अलग यूज़ हो रहा है तो आप जितनी यूनिट आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड की है उसकी एन ए और जितनी लेट आउट करी है फिर तो आप उसको अकॉर्डिंगली कंप्यूट करोगे उसकी जी भी निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग म्यूनसिपल टैक्सेस भी अगर है तो वो माइनस करेंगे ठीक है एनए आएगी ट्वेंटी फोर ए ट्वेंटी की डिडक्शन देकर हाउस प्रॉपर्टी इनकम आएगी लेट आउट फर्स्ट फ्लोर फॉर रेसिडेंशियल रेंट ऑफ टू लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड और उन्होंने अपना एक ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड फर्स्ट फ्लोर लेट आउट ठीक है लेट आउट हो गया ठीक है बाकी अगर कोई हमें म्यूसिपल वैल्यू इसकी फेयर रेंटल वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट वगैरह नहीं दिया होता तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो हमारा टू लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड ही जीएवी आ जाता है ही पेड म्यूनिसिपल टेक्सेस थाउजेंड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर ठीक है बोथ फ्लोर आर इक्वल साइज़ दोनों फ्लोर इक्वल साइज़ के हैं मतलब हाफ हाफ करना है आपको और यहाँ पे पूरे घर का म्यूनसिपल टैक्स साठ हज़ार है बट हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड को तो हम सीधा एन से शुरू करते हैं ठीक है नेट एनुअल वैल्यू से शुरू करते हैं वहाँ की तो एन ए हो जाएगी उसके तो म्यूनसिपल टैक्सेस जो भी पे करें उसका भी फायदा नहीं होता बट जो लेट आउट प्रॉपर्टी है आपकी उसके म्यूनसिपल टैक्सेस आप ले लेंगे तो सिक्सटी थाउजेंड का हाफ कर देंगे थर्टी थाउजेंड आप वहाँ पर ले लेंगे जे वी माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस ठीक है और आपको पता है म्यूनसिपल टैक्सेस आप तभी माइनस करते हैं जब वो पे चुके हो चुके हैं अगर वो ड्यू हुए हैं बट पे नहीं हुए हैं तो आप म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस नहीं करते हो याद आता है हाउस प्रॉपर्टी की बातें बट यहाँ पर लिखा हुआ है म्यूनसिपल टैक्सेस पे हुए हैं He paid insurance premium of thirty nine thousand on life insurance policy of son. Life insurance policy of son. ठीक है स्पाउस के लिए कर सकते हो children के लिए कर सकते हो ATC, ATC में समझ में आता है हम लोगों को ठीक है one lakh fifty thousand तक की डिडक्शन मिल जाती है यहाँ पर और life insurance में एक और डिडक्शन होती है कि समय short का आप ten percent लेते हो Policy अगर पुरानी है two thousand twelve one four two thousand twelve से पुरानी है तो twenty percent भी ले, ले लेते थे तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी समय शॉर्ट की बात यहां पर गिवन नहीं है तो थर्टी नाइन थाउजेंड अलाउड है सर सन डिपेंडेंट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर एटी सी में स्पाउस डिपेंडेंट हो या ना हो चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो या ना हो दोनों चलते हैं पेरेंट्स कवर्ड नहीं होते एटी सी में लाइफ इंश्योरेंस में तो थर्टी नाइन थाउजेंड तो सन के लिए अलाउड हो जाएगा सर फादर के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे करी है और वो डिपेंडेंट है फादर के लिए एट्टी सी नहीं मिलता है तो इनके लिए फादर के लिए फोर्टी एट थाउजेंड नहीं मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस होता तो एट्टी डी मिल जाता एट्टी डी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मिल जाता बट यहाँ पर तो नहीं मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस के लिए एट्टी सी फोर्टी एट थाउजेंड नहीं मिलेगा हम नोट दे देंगे कि सर इनके लिए तो नहीं दे पाएंगे वो भी नॉर्मल स्कीम में न्यू स्कीम में तो वैसे ही नहीं मिलेगा एट्टी सी थर्टी नाइन थाउजेंड मिल जाएगा ट्यूशन फ़ीस फोर्टी टू थाउजेंड पे करिए फॉर एस थ्री चिल्ड्रन तीन बच्चों के लिए अलाउड नहीं होती मैक्सिमम दो बच्चों के लिए अलाउड होती है ट्यूशन फीस एट्टी सी में ही तो 42,000 टू थाउजेंड अलाउड नहीं होगा हर बच्चे की फ़ीस फोर्टीन थाउजेंड रुपीज़ लिखी हुई है तो फोर्टीन थाउजेंड इंटू थ्री हमारा फोर्टी टू थाउजेंड आ गया होगा बट हम इतना अलाउ नहीं कर पाएंगे हम अलाउ कर पाएंगे फोर्टीन थाउजेंड इंटू टू टू चाइल्ड के लिए कर पाएंगे ट्वेंटी एट थाउजेंड अलाउड कर पाएंगे बस ए टी सी में तो ए टी सी में ना दो डिडक्शन आएंगी एक तो थर्टी नाइन थाउजेंड की डिडक्शन ठीक है सन के लिए और एक दो बच्चों की ट्यूशन फीस ट्वेंटी एट थाउजेंड और दोनों ही मिलाकर वन फिफ्टी से ज़्यादा हो नहीं रहा तो ये डिडक्शन हम एट्टी सी में दे देंगे नॉर्मल स्कीम में न्यू स्कीम में नहीं देंगे चलिए इसके बाद हमें टैक्स लाइबिलिटी और टोटल इनकम हमें निकालनी होगी चलें शुरू करें क्वेश्चन को ओके okay. हम वर्किंग नोट भी बनाएंगे बिल्कुल साफ साफ और आप प्रेजेंटेशन भी देख लीजिएगा और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ सॉल्व करना शुरू करें likhega answer 1 computation of total income and tax liability of mr rakesh असेसमेंट ईयर ट्वेंटी 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 वन सॉरी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू अब हम ना दोनों चीज़ें एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं ठीक है नॉर्मल स्कीम के अकॉर्डिंग भी और न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग भी ठीक है अलग अलग हम लोग कॉलम्स बना लेते हैं उसको तो एज पर नॉर्मल स्कीम एज पर न्यू स्कीम न्यू स्कीम का आप सेक्शन भी लिख सकते हैं सेक्शन वन वन फाइव बी ए सी याद भी हो रहा होगा आपको साथ साथ ठीक है इसको थोड़ा पास कर लेता हूँ एक मिनट दीजिएगा मुझे कौन कौन सी इनकम आ रही है हम लोग इनकम लिख लेते हैं फिर उसके वर्किंग नोट्स बना लेंगे तो हमें हमने देखा था कि फ़र्स्ट हेड होता है सैलरी सैलरी इनकम नहीं है हाउस प्रॉपर्टी है पीजीबीपी है कैपिटल गेन भी है और आई भी है तो बाकी चार हेड्स हैं तो वट विल डू एस सबसे पहले इनकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम आप इसके लिए वर्किंग नोट नंबर वन में शो कर देंगे हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी आई है और दूसरी इनकम है इनकी पीजीबीपी वर्किंग नोट नंबर टू में शो कर देंगे या फिर अभी वर्किंग नोट नहीं लिखते हैं चलिए पीजीबीपी वर्किंग नोट नहीं लिखते हैं फिर हम लोग कैपिटल गेन और आई और सबका कर टोटल करके आएगा जीटीआई जीटीआई में से डिडक्शन देनी है ठीक है चैप्टर सिक्स की फिर हमारी टोटल इनकम आ जाएगी वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्स लाइबिलिटी ऑल्सो तो चलिए नेक्स्ट पेज पर हम वर्किंग नोट बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालनी है हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज गिवन इन दिस कॉलम फिफ्थ आप चाहें तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं बट मैंने इसको नॉर्मली सीक्वेंस वाइज ले लिया जिससे पहले सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पी जी पी कैपिल के नायब सैलरी इनकम नहीं थी तो उसको छोड़ दिया हाउस प्रॉपर्टी से मैं शुरू कर रहा हूँ तो फिफ्थ इज योर हाउस प्रॉपर्टी इनकम तो आपका ये फिफ्थ पॉइंट इससे डील करता है इसको सबसे पहले कंप्यूट कर लेते हैं ग्राउंड फ्लोर इनका सेल्फ ऑक्यूपाइड है फर्स्ट फ्लोर इनका लेट आउट है ये हम डिस्कस कर चुके हैं जल्दी से वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर करते हैं वर्किंग नोट फर्स्ट इज हाउस प्रॉपर्टी दो हाउस प्रॉपर्टी हो गई एक तरीके से वन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड और इसकी तो एनएवी नेल ही ले लेंगे एनएवी नेल ट्वेंटी की डिडक्शंस भी जीरो हो जाएगी थर्टी परसेंट ऑफ एन ए वी ठीक है स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जीरो हो जाएगी और ट्वेंटी फोर बी तो है नहीं यहाँ पर ठीक है इंटरेस्ट वगैरह तो है नहीं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तो इनकम कुछ नहीं आई जीरो सेकेंड है हमारा लेट आउट पोर्शन लेट आउट प्रॉपर्टी जो कि हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसके लिए जी आ जाएगा जी ए वी आप एग्जाम में भी जी ए वी लिख सकते हैं एक्सेप्टेड है ठीक है पूरा नाम है ग्रॉस एनुअल वैल्यू बट अगर आप जी ए वी भी लिखेंगे एग्जामिनेशन में जो एक्सेप्टेड है कुछ एब्जीवेश लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कुछ एब्रीविएशन आप लिख सकते हैं जो एक्सेप्टेड होती है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है वो आपने ड्यूरिंग द लेक्चर्स वगैरह आपने सीखे होंगे कुछ एब्रीविएशन एक्सेप्टेबल होते हैं तो आप उसको लिखिए आपका टाइम सेव होगा तो जी ए वी यहाँ पर आ रही है क्योंकि यहाँ पर बाकी की इन्फॉर्मेशन मिसिंग है इनके एक्सपेक्टेड रेंट कितना था स्टैंडर्ड रेंट म्यूनसिपल वैल्यू फेयरेंटल वैल्यू वो सब मिसिंग है तो हम यहाँ पर इनका जो लेट आउट वैल्यू है एक्चुअल रेंट उसको ही कंसीडर कर, लेंगे एज जी ए वी टू लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड टू लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड आप चाहें तो यहाँ पर ये यह बातें लिख भी सकते हैं एज एक्सपेक्टेड रेंट इन्फॉर्मेशन इज नॉट मैंशन या नॉट अवेलेबल देयर फोर एक्चुअल रेंट इज टेकन एज जीएबी आप ये वर्किंग नोट में दिखा दीजिएगा कि आपने एक्चुअल रेंट को ही जीएबी क्यों लिया है ठीक है बस इतनी कोई लाइन लिखनी पड़ेगी और आप यहां पर शो कर सकते हैं उसके बाद माइनस म्युनिसपल टैक्सेस पेड और सिक्सटी थाउजेंड का आप हाफ लेंगे ठीक है थे ना एक बार चेक कर लीजिए पर म्यूनिस्पल टैक्सेस थे तो उसका आप हाफ लेंगे बिकॉज ये फर्स्ट दो फ्लोर का रेंट था तो थर्टी थाउजेंड माइनस कर दीजिएगा दिस इज योर एन नेट एनुअल वैल्यू टू लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड माइनस थर्टी थाउजेंड वन नाइनटी एट एनएकर है सब लोग इसमें से लेस कीजिएगा डिडक्शंस अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ए स्टैंडर्ड डिडक्शन थर्टी परसेंट होती है एस टी लिख सकते हैं सिर्फ एस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट रेट ऑफ थर्टी परसेंट ऑफ एन तो इसका थर्टी परसेंट हो जाता है फिफ्टी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड और ट्वेंटी फोर बी आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन होता है यहां पर ऐसा ऐसा कुछ गिवन नहीं है तो जीरो तो यहां पर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाती है वन लाख थर्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड दिस इज माई हाउस प्रॉपर्टी इनकम यहाँ पर हमारा वर्किंग नोट नंबर वन कम्प्लीट होता है वन लाख थर्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है और यहाँ पर इसकी वैल्यू नल थी सेल्फ ऑक्यूपाइड की वैल्यू नल तो हमने दोनों को ऐड करके देखा तो वन थर्टी एट सिक्स हंड्रेड ही आएगा सो so, आप ये लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें लाइन दे फोर हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज इक्वल टू प्लस वन लाख थर्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है टोटल हो गया वन थर्टी एट सिक्स में वन लाख थर्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड लिख दीजिए दोनों ही प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ठीक है यहां पर तो दोनों में कोई प्रॉब्लम ही, ही नहीं है कोई डिफरेंस ही नहीं है एज पर नॉर्मल स्कीम एज पर न्यू स्कीम दोनों के ही प्रोविजन के अकॉर्डिंग वन थर्टी एट सिक्स हंड्रेड आई बिलीव ये सबको समझ में आ गया ओके पीजीबीपी इनकम पी जी इनकम कौन सी आ रही है इनकी पी इनकम के लिए सेकंड पॉइंट गिवन था तो सेकंड पॉइंट भी कर लेते हैं सेकंड पॉइंट कहता है कि ही ओन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ए में थी हम टेन डबल ए वाली बातें भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके थे और इनका टर्न है टोटल वहाँ से टू लाख टर्न इनकम नहीं होती टर्न माइनस एक्सपेंसिज इनकम होती है तो यहाँ पर एक्सपेंसि वगैरह तो नहीं है पर डायरेक्ट प्रॉफिट दिया गया है तो ये इनका टोटल टर्नओवर था ये इनका एक्सपोर्ट टर्नओवर था इससे तो इनकी टेन डबल ए की एग्जाम uh, मिलेगी बट वो सिर्फ हम नॉर्मल स्कीम में दे पाएंगे। अभी इनकम निकालनी है और ये हमें है इस में, 25 तो, अब 25 लिखेगा. तो यहां पर हमें कुछ वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं आई है बस इतना लिख सकते हैं कि यूनिट का प्रॉफिट आया है ट्वेंटी वी डोंट रिक्वायर टू मेक अ वर्किंग नोट ओवर हेयर हाँ बट जब हम एग्जामेशन्स देंगे तब आप चाहें तो वर्किंग नोट बना सकते हैं एग्जामेशन हम बाद में देंगे क्योंकि अभी तो हमने नॉर्मल इनकम निकाल दी है ठीक है पहले जी आ जाएगा फिर हम यहाँ पर एग्जामेशन दे देंगे टेन डबल ए की ठीक है ओके कैपिटल गेंस कैपिटल गेंस के बारे में हाँ कुछ बातें गिवन थी तो इसलिए मुझे लगता है इसका वर्किंग नोट हमें बना लेना चाहिए तो दिस इज थर्ड इन्फॉर्मेशन इज अबाउट कैपिटल गेन इसको भी कर लेते हैं ही सोल्ड अ वेकेंट लैंड फॉर रुपीज थर्टीन लाख और इसकी स्टेम्प वैल्यू सेवनटीन लाख थी टेन परसेंट से ज़्यादा का डिफरेंस है तो हमें सेवेंटीन लाख ही लेना पड़ेगा और हमें कॉस्ट लेनी है क्योंकि वन फो टू थाउजेंड वन से टू थाउजेंड वन से पुरानी वैल्यू है तो जितनी उसकी वैल्यू थी या उसकी फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ हायर लेनी है और वो वैल्यू कितनी थी वन पॉइंट सेवन फाइव और ट्वेंटी वन पॉइंट नाइन फाइव या फाइव लाख विच एवर इज़ हायर तो आई बिलीव ये तो आराम से आप कर सकते हैं चलिए कर लेते हैं इसको वर्किंग नोट नंबर टू बनाते हैं इसका वर्किंग नोट नंबर टू वर्किंग नोट्स यहां पर कैपिटल गेन की बातें कर लेंगे कैपिटल गेन्स फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लेना होगा हमें सेवनटीन लाख ठीक है अगर आपको सेक्शन याद है कि क्यों आपने 17 लाख लिया है तो आप खाली आप सेक्शन 50 सी भी लिख सकते हैं ठीक है 50 सी लिख दीजिए एज पर सेक्शन 50 सी हमने 17 लाख लिया है अगर आपको सेक्शन याद नहीं है ठीक है बट फिर भी आपको यहां पर कुछ नोट देना पड़ेगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं स्टेम्प वैल्यू इज मोर देन Actual selling price, stem value is more than actual selling price और दूसरी बात difference is also more than 10 percent टेन percent से ज्यादा का difference था इसलिए हमने सेवनटीन लाख ले लिया है ठीक है क्योंकि हो सकता है कि स्टूडेंट को किस को आप ये मिस कर जाएं सेक्शन का नंबर वोट करना गलत सेक्शन मत लिखना अगर अच्छे सेक्शन आता है तभी तो लिखेगा गलत सेक्शन नहीं लिखना है तो यहाँ पर आप ये इन, इतनी इन्फॉर्मेशन भी देंगे सेक्शन नहीं भी लिखेंगे तो भी बिल्कुल सही है आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे ठीक है सेवनटीन लाख माइनस लेस करें इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप या इनफैक्ट यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करनी है इंडेक्सेशन करना होगा इंडेक्सेशन करना होगा क्योंकि कितना पुराना है सर ये तो बहुत पुराना है और वैसे भी लैंड और बिल्डिंग के लिए यहाँ पर आपने बेचा है वेकेंट लैंड और लैंड और बिल्डिंग के लिए कितना होल्डिंग पीरियड लेते हैं दो साल से ज़्यादा अगर जा रहा है तो फिर वो लॉन्ग टर्म हो जाता है और यहाँ पर दो साल से काफ़ी ज़्यादा है तो इंडेक्सेशन करना पड़ेगा तो यहाँ पर आप इंडेक्सेशन करेंगे सी आई ऑफ़ द ईयर ऑफ ट्रांसफर इस साल का सी आई आई था थ्री जीरो वन सी आई ऑफ़ द ईयर ऑफ एक्विजिशन नाइन्टी फाइव का आपको पता है कि नाइन्टी फाइव का सी आई तो आपके पास होता नहीं है टू थाउजेंड वन से पुराना अगर कोई भी सी आई है तो उसको हंड्रेड ही लेते हैं तो आप लेंगे थ्री जीरो वन अपॉन हंड्रेड थ्री अपॉन हंड्रेड इंटू फाइव लाख पहले ये लिख देते हैं फिर इसकी इंफॉर्मेशन भी लिख लेंगे हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं लाख डिवाइडेड जीरो वन तो ये जो आता है फिफ्टीन लाख फाइव थाउजेंड और इसकी इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन एज टेकन एज कॉस्ट ठीक है इतना भी लिखेंगे सफिशियंट है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन फोर इजन एज कॉस्ट या फिर अगर आप ये भी लिखना चाहें कि विच इज हायर तो वो भी लिख सकते हैं बट अदरवाइज इतना मोर देन सफिशियंट होता है अच्छा इंप्रूवमेंट वगैरह है क्या कुछ कुछ इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं थी ठीक है वन पॉइंट सेवन फाइव और ट्वेंटी थाउजेंड ये तो कॉस्ट ही थी और वैसे भी आपको पता है अगर टू थाउजेंड वन से पुरानी इंप्रूवमेंट ये आपने कंसेप्ट रिवाइज कीजिए वन फोर टू थाउजेंड वन से पुरानी कोई इंप्रूवमेंट होती है तो वो तो आप लेते नहीं इग्नोर करते हैं उसके बाद की इंप्रूवमेंट आप ले सकते थे तो यहाँ पर कुछ एस सच वगैरह इंप्रूवमेंट वगैरह भी कुछ भी नहीं है तो बस हमारा यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया ठीक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एल लिख दीजिएगा शॉर्ट में वन लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड और इसके ऊपर जब आप टैक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे ट्वेंटी परसेंट ठीक है ना तो दिस इज वर्किंग नोट नंबर टू वन नाइन्टी फाइव नाइन्टी फाइव थाउजेंड दोनों स्कीम के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्कीम भी देखें या फिर न्यू स्कीम देखें दोनों के अकॉर्डिंग वन हमारा आंसर आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एल टी सी जी पर ट्वेंटी आई एफ ओ एस की इनकम अब आई एफ ओ एस की इनकी दो इनकम है एक तो है रॉयल्टी की इनकम और दूसरी है इनकी इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट था सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट था तो वो दोनों इनकी रॉयल्टी इनकम है इनकम कितनी है पहले ये देख लीजिएगा टू लाख एटी एट थाउजेंड रॉयल्टी थी यहाँ पर हमारे चालीस हजार के एक्सपेंसिस हुए हैं ठीक है बाकी सर ये एटीन परसेंट का टू थर्टी का क्या करना है वो एट्टी क्यू क्यू भी में काम आएगा बट अभी तो हम डायरेक्टली पहले इनकम निकाल दें तो रॉयल्टी इनकम वो टू एटी एट वहाँ से इनकम आई चालीस हज़ार के एक्सपेंसेस हुए इसको माइनस करने के बाद दिखा दीजिए एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपकी रॉयल्टी इनकम कितनी है तो रॉयल्टी इनकम है टू लाख एटी एट थाउजेंड माइनस फोर्टी थाउजेंड यहाँ पर ही शो कर दीजिए अलग से वर्किंग नोट नहीं बना रहे इसका जरूरत नहीं है आपको टू फोर्टी एट रॉयल्टी इनकम टू फोर्टी एट है और आई एफ ओ एस की इनकम थी फोर्टी थाउजेंड रुपीज ठीक है बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट फोर्टी थाउजेंड आप चाहते तो इन दोनों अमाउंट को ना इनर कॉलम में भी दिखा सकते थे टू फोर्टी एट फोर्टी को यहाँ पर आप दिखा देते और फिर आई एफ ओ एस की एक कंसोलिडेट इनकम टू एटी एट भी लिख सकते थे ठीक है तो हमारी इनकम के बारे में तो हमने सब कुछ लिख, लिख लिया रॉयल्टी के बारे में सब कुछ लिख दिया बट अभी हमें एट्टी क्यू क्यू बी एटी क्यू क्यू बी और शो करना पड़ेगा नॉर्मल स्कीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें अभी टेन डबल ए की भी एग्जामेशन देनी है नॉर्मल स्कीम में और बाकी हमने यहाँ से कर लिया थर्ड पॉइंट कर लिया है इंटरेस्ट वाला भी पॉइंट हमने लिख लिया है यहाँ से हमें एट्टी टी टी ए की डिडक्शन अभी देनी पड़ेगी नॉर्मल स्कीम में हाउस प्रॉपर्टी लिख लिया है और ये दोनों पॉइंट एट्टी सी के बारे में चलिए वापस आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई भी लिख सकते थे आप ऐड कर लीजिएगा वन थर्टी एट सिक्स हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फाइव लाख ठीक है ट्वेंटी फाइव लाख प्लस वन लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड प्लस टू फोर्टी एट प्लस फोर्टी थाउजेंड सो दिस इज थर्टी वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और इनफैक्ट ये भी सेम है अभी तक तो ठीक है सब कुछ इसका सेम है तो इसका भी टोटल सेम आएगा थर्टी वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वह चेक कर लें वन थर्टी एट सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव लाख नाइन नाइन्टी फाइव टू फोर्टी एट और फोर्टी हाँ जी अब इसमें से लेस कीजिएगा डिडक्शंस लेस कर लीजिएगा तो यहां पे सबसे पहले सेक्शन टेन डबल ए की एग्जाम्शन माइनस करेंगे ठीक है टेन डबल ए की एग्जामेश माइनस करेंगे और वो सिर्फ नॉर्मल स्कीम में एप्लीकेबल होगी यहां पर तो एप्लीकेबल नहीं होगी न्यू स्कीम में 10w w की एग्जम्पशन कितनी मिलेगी हम लोग जानते हैं कि जितना भी प्रॉफिट होता है एससी जेड e का यहाँ पर आप सॉल्व कर दीजिए प्रॉफिट ऑफ एससी जेड इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर और इसका क्योंकि 100% ही लेना है क्योंकि फर्स्ट uh, माइकल से थर्ड ईयर था तो आपको 100% ही लेना होगा पक्का याद आना आपको तो हमारा प्रॉफिट था एसई का ट्वेंटी फाइव लाख एक्सपोर्ट टर्न ओवर वन फोर्टी लाख है टोटल टर्न ओवर टू हंड्रेड लाख है ट्वेंटी फाइव लाख को प्रपोर्शन कर लीजिएगा ट्वेंटी फाइव लाख इंटू वन फोर्टी अपॉन टू हंड्रेड आप कहा जाता है सेवनटीन लाख फिफ्टी थाउजेंड सेवेंटीन पॉइंट फाइव लाख ठीक है ना तो सेवेंटीन लाख फिफ्टी थाउजेंड की तो टेन डबल ए में एक्मिशन मिल जाएगी और यहाँ पर कुछ नहीं नॉट एप्लीकेबल ऐसे लिख दू नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल ओके अब दूसरी डिडक्शन मिलने वाली है एक तो एट्टी क्यू क्यू बी की एट्टी टी टी ए की और एट्टी सी की तो एट्टी सी पहले कर लेते हैं ठीक है सीरियली चल लेते हैं एक बार एट्टी सी पहले के डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन एट्टी सी एक तो एल आई सी ऑफ सन और ट्यूशन फीस ट्यूशन फीस ऑफ टू चिल्ड्रन एल आई सी ऑफ सन थी थर्टी नाइन थाउजेंड और दो बच्चों की फीस थी एल आई सी थर्टी दो बच्चों की सिर्फ दो चिल्ड्रन की टू चाइल्ड की हम लोग ले पाएंगे विच इज ट्वेंटी एट थाउजेंड और यहां पर ही मैं लिख देता हूं एल आई सी ऑफ फादर इज Not allowed. So this is thirty nine thousand plus twenty eight thousand. Add कर दीजिएगा thirty nine thousand plus twenty eight thousand. So it is giving me sixty seven thousand. ठीक है ना सब लोग मेरे साथ कर रहे हैं ना सिक्सटी सेवन थाउजेंड की डिडक्शन एट्टी सी में मिल जाएगी और यहाँ पर नाट एप्लीकेबल ठीक है आगे चलते हैं ये दोनों हमने कर लिए हैं पॉइंट्स इसके बाद 80 क्यू क्यूबी की डिडक्शन दे देते हैं आप चाहें तो अलग से वर्किंग नोट भी बना दीजिए 80 क्यू क्यूबी का आप चाहें तो यहां पर भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेस ठीक अवेलेबल है तो आप यहां पर भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं एट्टी क्यू क्यूबी तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारी रॉयल्टी इनकम कितनी आई है रॉयल्टी इनकम आई है हमारी एक्चुअली टू लाख एटी एट थाउजेंड रुपीज की ठीक है माइनस एक्सपेंसेस भी करने होते हैं सबसे पहले देखिए हमारी रॉयल्टी इनकम कितनी आई है टू एटी एट जो कि एटीन परसेंट के बराबर था जो कि एटीन परसेंट के बराबर था बट हम मैक्सिमम यहाँ पर फिफ्टीन परसेंट ही लेते हैं एट्टी क्यू क्यू भी अगर आपको याद है तो वहां पर हम मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ फिफ्टीन परसेंट ही ले पाएंगे एटीन नहीं ले पाएंगे तो पहले तो फिफ्टीन परसेंट बता दीजिए कितना है इसका तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ठीक है सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा मैक्सिमम फिफ्टीन परसेंट ही लेंगे तो वो आ जाता है हमारा टू लाख एटी एट थाउजेंड डिवाइड बाई एटीन ये तो एटीन के बराबर है इन टू फिफ्टीन के बराबर क्या होगा दिस इज टू एटी एट डिवाइड बाई एटीन इंटू फिफ्टीन ये आ गया टू लाख फोर्टी थाउजेंड ठीक है टू लाख फोर्टी थाउजेंड यहां पर ये यह आ रहा है बट इसमें से क्योंकि ये इंडिया के बाहर से आ रहा है तो हम इतना लेते हैं जितना मैक्सिमम सिक्स मंथ्स तक आ जाता है प्रीवियस ईयर के सिक्स मंथ्स तक यानी कि थर्टी सितंबर तक जितना अमाउंट आ गया था वो कितना था वो था टू लाख थर्टी थाउजेंड टू लाख थर्टी थाउजेंड तो हम टू फोर्टी भी नहीं ले पाएंगे टू थर्टी ही ले पाएंगे मैक्सिमम तो रिस्ट्रिक्टेड टू रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट रेमिटेड अप टू थर्टीएथ सेप्टेंबर 2021 कितना आ रहा है वो दो लाख तीस हजार आ रहा है तो हम सिर्फ दो लाख तीस हजार तक ही रॉयल्टी इनकम ले पाएंगे और इसमें से माइनस कर लीजिएगा लेस एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस थे इसके फोर्टी थाउजेंड रुपीज के माइनस कर लीजिएगा तो ये सॉरी आ जाता है तो मैं यहां पर लिख लेता हूँ वन लाख नाइन्टी थाउजेंड की रिडक्शन आप एट्टी क्यू क्यू बी में ले पाएंगे बट वहां पर तो न्यू स्कीम में तो इट इज अगेन नॉट एप्लीकेबल ठीक है समझ में आ रहा है ना बातें अब लास्ट हमारा बच्चा है एट्टी टी टी एटी टीटी में जितना भी इंटरेस्ट होता है या फिर टेन थाउजेंड से ज्यादा तो हम ले नहीं सकते हैं तो एट्टी टी टी ए और ले लीजिएगा सेक्शन एट्टी टी टी ए सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट मैक्सिमम दस हज़ार चालीस हजार का इंटरेस्ट मिला है बट हम दस हज़ार ही ले पाएंगे टेन थाउजेंड तक और यहाँ पर अगेन नॉट एप्लीकेबल ठीक है हो गया अब यहाँ पर हमारी टोटल इनकम आ गई न्यू स्कीम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर तो वहाँ तो सेम ही आया क्योंकि तो कोई डिडक्शन नहीं मिली वहाँ पर थर्टी वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हमारी टोटल इनकम है और इन दिस केस हमारी इनकम आ जाती है थर्टी वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड में से ये सब माइनस कर दीजिएगा थर्टी वन ट्वेंटी वन सिक्स हंड्रेड में से माइनस कर रहे हैं हम लोग सेवेंटीन लाख फिफ्टी थाउजेंड माइनस करा माइनस सिक्सटी सेवन थाउजेंड करिए माइनस वन नाइन्टी और टेन टू लाख माइनस कर देते हैं टोटल इलेवन लाख फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आई होप सबको समझ में आ रहा है तो हमारी टोटल इनकम इलेवन लाख फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आ रही है एज पर नॉर्मल स्कीम एज पर एग्जिस्टिंग प्रोविजन और एज पर न्यू स्कीम इतनी आ रही है अब जरा टेक्स लायबिलिटी निकाल दें टैक्स लाइबिलिटी एज पर नॉर्मल स्कीम हमारी टोटल इनकम है इलेवन लाख फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इसमें से देखिए कोई हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए वन वन टू ए इनकम ये सब हैं क्या तो पता चला इसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर तो हम ट्वेंटी परसेंट टैक्स देंगे पक्का तो इलेवन लाख फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था वन नाइनटी फाइव वन नाइनटी फाइव तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो एल टी सी जी इसमें था वन फाइव और बाकी की रिमेनिंग इनकम कितनी बची है क्योंकि और कोई स्पेशल इनकम नहीं है याद आता है ना आपको टोटल इन, इनकम के हम पार्ट्स करते हैं कि जब भी टैक्स निकालना होता है कि हमारे पास एल टी सी जी वन वन टू वाला कितना है ट्रिपल वन ए कितना है वन वन टू ए कितना है कैजुअल इनकम कितनी है अनएक्सप्लेन इनकम कितनी है और फिर रिमेनिंग इनकम बाकी इनकम नहीं थी सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था तो इलेवन लाख फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड में से वन नाइनटी फाइव आप माइनस कर दीजिए रिमेनिंग इनकम आ जाएगी आपके पास सो दिस इज नाइन लाख नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इसके ऊपर तो आप स्लैब रेट लगा देंगे ठीक है और यहाँ पर रेट ऑफ ट्वेंटी तो और नाइन लाख नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के ऊपर स्लैब रेट निकाल दीजिएगा ठीक है स्लैब रेट कौन सा लगेगा अस एस सी देखिए सीनियर सिटीजन था क्या नहीं सीनियर सिटीजन नहीं था टू पॉइंट फाइव लाख वाले स्लैब लगा दीजिए फर्स्ट टू पॉइंट फाइव लाख निल नेक्स्ट टू पॉइंट फाइव लाख फाइव परसेंट और बाकी का दस लाख से ऊपर नहीं रहा है बाकी का बीस परसेंट आ जाएगा तो जल्दी से आप कैलकुलेट कर दीजिएगा मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पर कर रहा हूँ माइनस फाइव लाख फाइव लाख से ऊपर कितनी इनकम आ रही है हमारी आ रही है चार लाख नौ हजार छह सौ फाइव लाख से ऊपर इस पर तो सीधा बीस परसेंट आ जाएगा एन थाउजेंड नाइन ट्वेंटी और प्लस शुरू के ढाई लाख पर जीरो नेक्स्ट ढाई लाख पर साढ़े बारह हज़ार पाँच परसेंट तो इसमें साढ़े बारह हज़ार और ऐड कर देते हैं प्लस ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो दिस इज नाइन्टी फोर थाउजेंड फोर टू ज़ीरो आप एक बार चेक कर लीजिएगा मेरी कैलकुलेशन ठीक है क्या दोनों को ऐड कर दीजिएगा वन लाख थर्टी थ्री थाउजेंड फोर टू ज़ीरो प्लस फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और ऐड करिए फाइव थ्री थ्री सिक्स पॉइंट एट टोटल कर दीजिए और इसको टैक्स लाइबिलिटी को अपनी राउंड ऑफ करके दिखाइए राउंडेड ऑफ सेक्शन याद नहीं है तो आप सिर्फ राउंडेड ऑफ लिख लीजिएगा वैसे सेक्शन होता है इनकम को राउंड ऑफ करने का टू एटी एट ए टैक्स को राउंड ऑफ करने का टू एटी एट बी टू एट बी यहाँ पर आप लगा रहे हैं तो राउंड ऑफ करेंगे तो आप आपका आ जाएगा वन थर्टी एट सेवन सिक्स जीरो आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी वन थर्टी एट सेवन सिक्स जीरो ओके अब जरा निकाल देते हैं टैक्स लाइबिलिटी एज पर न्यू स्कीम अब न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग जो टैक्स आपका स्लैब रेट लगता है वो 2.5 2.5 2.5 का स्लैब रेट है और 15 लाख ,00 के बाद तो 30 लाख ,00 लग जाएगा बट हाँ अगर हमारी कोई स्पेशल इनकम है तो उसके ऊपर स्पेशल रेट ही है जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर तो आप ट्वेंटी ही लगाएंगे तो क्या यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था द आंसर इज यस पहले बताइए टोटल इनकम कितनी आ रही है एज पर न्यू स्कीम टोटल इनकम अभी हमने ऊपर ही कैलकुलेट की है थर्टी वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जिसमें से स्पेशल इनकम के नाम पर एल है टैक्स ऑन एल कितना था एल टी सी जी वन लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड इसके ऊपर तो सीधा ट्वेंटी परसेंट आ जाएगा तो यहाँ पर तो हमारा थर्टी नाइन थाउजेंड ही आया था अब बाकी रिमेनिंग इनकम के ऊपर आप स्लैब रेट लगा सकते हैं वो टू पॉइंट फाइव वाले ठीक है तो सबसे पहले बताइए रिमेनिंग इनकम कितनी बची रिमेनिंग इनकम बचती है हमारे पास थर्टी वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस वन लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड विच इज़ थर्टी वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस वन नाइन्टी फाइव सो दिस इज़ सब लोग साथ, साथ कर रहे हैं ना मेरे ठीक है आपको मेरे साथ साथ सॉल्व करना है और अभी तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया अगर मेरे साथ तो नेक्स्ट क्वेश्चन से प्लीज़ मेरे साथ ही करिएगा 29 लाख ठीक है अब इसके ऊपर हम स्लैब रेट लगा देंगे 2.5 लाख वाले फर्स्ट 2.5 लाख पर तो होता हैल नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5%। परसेंट नेक्स्ट 2.5 पर 10 Next, तक 15, तक है टोटल मतलब ये बार लिखना पड़ेगा आपको ठीक है ना सब लोग समझते हैं छः बार आएगा ठीक है तो छः बार आपको लिखना पड़ेगा फिर फिफ्टीन लाख से जितना भी एक्सेस होगा उसके ऊपर थर्टी परसेंट लगा दीजिएगा नेक्स्ट 2.5 लाख तक 25 परसेंट अब देखिए आपके सिक्स टाइम्स हो चुके हैं 2.5 फोर फाइव सिक्स छः बार आपने लिख लिया है या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि जब 25 तक आ जाए तब रुक जाइएगा क्योंकि उसके बाद फिर 30 परसेंट जाना है अब आपका जितना भी नेक्स्ट अमाउंट आया है 15 लाख के एक्सेस में कितना है ट्वेंटी लाख ट्वेंटी था इसमें से फिफ्टीन लाख माइनस कर दीजिए तो यू आर गेटिंग सॉरी फोर्टीन लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पर थर्टी परसेंट फोर्टीन ट्वेंटी सिक्स सिक्स हंड्रेड पर थर्टी परसेंट ये तो हो गया आपका फोर लाख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड नाइन एट्टी ठीक है और बाकी ये सब निकाल लीजिए फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थर्टी 50,000, 50, 62,500, फाइव हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंडी ठीक है ना ओके okay, अब सबको ऐड करें इसका टैक्स कितना आया है ट्वेल्व प्लस इन सबको मैं ऐड कर रहा हूँ प्लस पच्चीस हजार ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस फिफ्टी प्लस सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड प्लस फोर ट्वेंटी सेवन नाइन एट ज़ीरो टैक्स आया हमारा सिक्स लाख फिफ्टीन थाउजेंड फोर एट्टी टैक्स आया था स्लाब रेट पर और एल पर टैक्स थर्टी था, नाइन थाउजेंड का तो आपका टैक्स बन गया है 480, प्लस इसके ऊपर फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड कर दीजिए ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड वन सेवेंटी नाइन पॉइंट टू टोटल करिएगा टोटल आ गया हमारा यहाँ पर लिख रहा हूँ सिक्स लाख एटी थाउजेंड सिक्स फिफ्टी नाइन पॉइंट टू और इसको राउंड ऑफ़ भी कर दीजिएगा राउंड तो ऑफ करके आया हमारा सिक्स लाख एट्टी थाउजेंड सिक्स सिक्स ज़ीरो सो दिस इज़ आर टिक्स लाइबिलिटी एज़ पर न्यू स्कीम ठीक है और आप एक लाइन और दे दीजिएगा कि आपकी कौन सी अच्छा रहेगा एस के लिए ऑप्ट करना बिकॉज एज पर न्यू स्कीम आ रहा है टैक्स सिक्स लाख एटी थाउजेंड सिक्स सिक्स जीरो बट एज़ पर नॉर्मल स्कीम आ रहा था हमारे हमारा टैक्स वन लाख थर्टी एट थाउजेंड सेवन सिक्स जीरो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्कीम है तो यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन दे दीजिएगा एस एस सी इज एडवाइज टू फॉलो नॉर्मल स्कीम एज टैक्स एज लोअर टैक्स वहाँ पर कम है यहाँ पर तो काफी ज्यादा टैक्स आ रहा है सिक्स लाख एटी थाउजेंड सिक्स सिक्स जीरो का तो बहुत ज़्यादा है ठीक है क्लियर हो गया तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट होता है अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एक बार यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर आपको नोट करना है तो ठीक है मैं चेंज कर रहा हूँ आप यहाँ पर पॉज कर सकते हैं डन अगेन आई एम चेंजिंग इट आप यहाँ पर पॉज कर सकते हैं चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू सेज अभी ऑप्शनल क्वेश्चन है आपको टू सेकेंड थर्ड और फोर्थ में से सिर्फ दो क्वेश्चंस करने थे ठीक है लिखा था ना यहाँ पर एनी अटेम्प्ट एनी टू फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री क्वेश्चंस बट हम लोग अभी तीनों ही सॉल्व करेंगे सेकेंड थर्ड और फोर्थ तीनों क्वेश्चन विद ऑल पार्ट्स मिसेस जेस्मिन एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन ठीक है गॉट मैरिड टू मिस्टर कपिल ऑफ इंडिया तो इनकी एक इंडियन से शादी हुई है शादी कहाँ पर हुई इन ऑस्ट्रेलिया ठीक है ऑन सेकेंड जनवरी 2020 ट्वेंटी एंड शी केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन फर्स्ट टाइम आई है देखिए इससे पहले कभी वो इंडिया नहीं आई थी तो ये इम्पॉर्टेंट बात है फर्स्ट टाइम इंडिया आई हैं ऑन एटीनथ मार्च ट्वेंटी अब देखिए हम लोगों के लिए प्रीवियस ईयर है फॉर आर दिसंबर 2021 एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर है 2021 अब ये इंडिया कब आई है एटीनथ मार्च 2020 को यानी कि प्रीवियस ईयर 1920 में ही ये इंडिया आ गए थे ठीक है तो शी केम टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर 1920 ट्वेंटी यहाँ पर भी ये इंडिया में होंगी यानी कि अभी एटीन मार्च तक हमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि वो लास्ट प्रीवियस ईयर में ही नाइनटीन में इंडिया शी विजिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम शी लेफ्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑन टेंथ ऑफ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है टेंथ ऑगस्ट तक को ये इंडिया से चली गई है तो एटीनथ मार्च का भी डे काउंट होता है जिस दिन वो आते हैं और जिस दिन वो जाएँगे वो डे भी काउंट होगा तो ये मार्च में रही थी पर वो लास्ट ईयर का था फिर हम जब इसी ईयर काउंट करेंगे याद रख लीजिएगा स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो इस दिन से काउंट करना शुरू कर देते हैं जो हमारे वो 182 डेज वाली कंडीशन होती है ना तो वो इस दिन से काउंट करना शुरू कर देते हैं प्लीज यहाँ पर गलती मत कीजिएगा अगर आप लोग प्रीवियस ईयर 2021 के डेज कैप कंप्यूट करेंगे क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन मुझे लग रहा है तो प्रीवियस ईयर 2021 का अगर कंप्यूट करेंगे तो प्लीज इसी प्रीवियस ईयर के डेज काउंट कीजिएगा यानी कि फर्स्ट अप्रैल 2020 से फर्स्ट अप्रैल 2020 से काफ़ी स्टूडेंट्स से गलती कर देते हैं वो एटीनथ मार्च से कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं ठीक है जो अब आप वन एटी टू डेज लीजिएगा तो हमारी कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर में वो वन एटी टू डेज मिनिमम इंडिया में हो तो आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन से जब आप शुरू करेंगे तो स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है तो ये हमारे प्रीवियस ईयर में अप्रैल में थी इंडिया में अप्रैल मे जून जुलाई और अगस्त में दस तारीख को चले गए शी रिटर्न टू इंडिया अगेन ठीक है दोबारा वो आते हैं ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी थर्ड फेबर को आ गए ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी लीप ईयर ट्वेंटी एट डेज ही लेना है इसमें फिर शायद मार्च में भी रहे होंगे ऑन वन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी शी हेज़ परचेज अ फ्लैट इन मुंबई ठीक है प्रीवियस ईयर में इन्होंने एक घर भी खरीद लिया विच वॉज लेट आउट टू मिस्टर सुनील ऑन रेंट ऑन फॉर रुपीज ट्वेंटी एट थाउजेंड पर मंथ ठीक है इनका मंथली रेंट है ट्वेंटी एट थाउजेंड जो इन्होंने किराए पर दिया फर्स्ट ऑफ मे से ठीक है घर परचेज किया फर्स्ट अप्रैल को और एक महीने के बाद इसको किराए पर दे दिया गया फर्स्ट मे से शी एस टेकन लोन फ्रॉम इंडियन बैंक फॉर परचेज ऑफ दिस फ्लैट तो इनको ट्वेंटी फोर बी की भी डिडक्शन मिल जाएगी और जितना भी इनका इंटरेस्ट बनता है वो पूरी डिडक्शन मिल जाएगी क्या टू लाख ,00 तक लिमिट फिक्स है नहीं सेल्फ ऑक्यूपाइड घर नहीं है लेट आउट है तो लेट आउट में तो जितना भी इंटरेस्ट आपका ड्यू होता है वो पूरा अलाउ हो जाता है टू लाख फिफ्टीन थाउजेंड का इंटरेस्ट बना है इस साल का अपटू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी तो ट्वेंटी पूरा ही अलाउड हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है लेट आउट प्रॉपर्टी है इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शी हैज अ गोल्ड चेन अब देखो यहाँ पर सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस की बातें होने लगी थी फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई अब यहाँ पर आई एफ ओ एस की इनकम आई है कि शी हैज रिसीव अ गोल्ड चेन गोल्ड चेन प्रॉपर्टी होती है ठीक कैपिटल एसेट होता है जब भी मिलेगा तो ये हमारा गिफ्ट बन जाता है आई एफ ओ एस में बट कहा किससे मिला फ्रॉम हर इन लॉज तो मदर इन लॉ या फादर इन लॉ से मिला और वो हमारे रिलेटेड की डेफिनेशन में कवर्ड होते हैं तो ये हमारा एग्जेप्ट हो जाएगा तो गोल्ड चेन जितनी की भी थी इट वॉज वर्थ रुपीजन कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे ये हमारी इनकम एग्जेम्ट हो जाएगी आई ऑफ हो में बिकॉज ये रिलेटिव से मिल रही है रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है इनको एक कार भी मिली वर्थ रुपीज सिक्स लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अब देखो कार अगर मिली है ठीक है रिलेटिव से मिली है फ्रेंड से मिली है किसी से भी मिली है कार इज़ नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी डेफिनेशन में कवर्ड नहीं होती तो अगर हमारे पास प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या कवर्ड होता है जो कैपिटल असेट्स होते हैं अगर हमें किसी से गोल्ड मिलता है ठीक है डायमंड मिलता है प्रेशस सेमी प्रेशस स्टोन्स मिलते हैं महंगी पेंटिंग्स मिलती हैं शेयर uh, मिलता है ठीक है लैंड या बिल्डिंग इमूअल प्रॉपर्टी मिलती है तब हमारी वो इनकम बनती है बट अगर कोई हमारा घर नॉन रिलेटिव भी अगर हमें कोई ऐसी चीज़ दे दे जो प्रॉपर्टी के डेफिनेशन uh, में कवर्ड नहीं है लाइक like कार तो फिर तो वो गिफ्ट के डेफिनेशन में नहीं आएगा उसको पूरा एग्जेम कर दिया जाएगा तो कार अगर इनको मिली है दिस इज़ नॉट टैक्सेबल चाहे वो रिलेटेड पार्टी से मिली है या नॉन रिलेटिव से मिला है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें ये इनकम नहीं बनेगी बट वो भी इनको अपनी मैरिड सिस्टर हर हस्बैंड हस्बैंड की सिस्टर uh, से मिला है ओके okay. मतलब सिस्टर इन लॉ से मिला है वो भी रिलेटिव के डेफिनेशन में हमारे कवर्ड होता है ठीक है हम लोग जानते हैं ना ठीक है स्पाउस के सिबलिंग्स भी रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर्ड है तो इनसे भी मिला है तो भी तो दो वजह से दो रीजन है इसके इनकम मत बनाइएगा एक तो कार है ठीक है वैसी प्रॉपर्टी डेफिनेशन में नहीं आती तो भी इनकम नहीं बनेगी दूसरा रिलेटेड रिलेटिव से मिल रही है तो भी इनकम नहीं बनेगा एंड रुपीज वन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड फ्रॉम वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ हर हस्बैंड अब ये देखिए ये फ्रेंड से मिला है पैसा ठीक है और क्या मिला है ये ठीक है कुछ ऐसा नहीं बताया गया तो इसका हम मा, मतलब मानेंगे कि कैश पैसे मिले हैं ठीक है हमेशा एज्यूम करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बोला कि गोल्ड चेन थी वन की गोल्ड चेन तो इन लॉ से मिली थी वन की ठीक है सिस्टर से कार मिली थी बट फ्रेंड से क्या मिला ये बताया नहीं गया तो हमेशा एज्यूम करेंगे कि कैश में पैसे मिले ठीक है कैश मिला होगा मतलब कैश मिला होगा हार्ड कैश या फिर बैंक में पैसे मिल गए होंगे आपको तो दैट बिकम्स योर इनकम और क्योंकि इसका अमाउंट से है, एग्रीगेट से ज्यादा ज्यादा है 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 ठीक एग्रीगेट तो भी आपको ये इनकम बन जाएगी तो इनकी वन तो जितना इस पूरा पैराग्राफ में दिया गया था ये तीन लाइन में गोल्ड चेन इनकम नहीं है कार इनकम नहीं है गोल्ड चेन किस लिए नहीं है ठीक गोल्ड चेन का रीजन क्या था रिलेटिव से मिला इन लॉस से मिला है कार के दो रीज़न थे दोनों में से कोई भी एक रीजन आप सेटिस्फाई दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं यहां पर तो वैसे तो कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाता कार किसी से भी मिलती हम इसको कंसिडर नहीं करते बट यहाँ पे रिलेटिव से भी मिल रहा है तो फिर हम कंसिडर नहीं करेंगे बट ये जो पैसे मिल रहे हैं इसको इनकम बना दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है डिटरमाइन हर रेसिडेंशियल स्टेटस ठीक है सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है कि ये रेसिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है और दूसरा फिर इनकी ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी ग्रॉस टोटल इनकम नहीं निकालनी ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है सिर्फ सिर्फ जीटीआई निकालना है इनका इस असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू के लिए ठीक है चलिए आंसर टू ए सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ Mrs. जसमेन फॉर assessment year 2122. ठीक है आप मुझे प्लीज बताइए इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए सबसे पहले हम बेसिक कंडीशन चेक करते हैं ठीक है बेसिक कंडीशन हमें बताती है कि वेदर द इंडिविजुअल इज रेसिडेंट और ही इज और ही यहाँ पर शी है और शी इज नॉन रेसिडेंट सबसे पहले हमें बेसिक कंडीशन लगानी होती है और एक बार अगर वो बेसिक कंडीशन से रेसिडेंट हो जाता है फिर हमें ये भी चेक करना पड़ता है एडिशनल कंडीशन चेक करके कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है बट सबसे पहले तो बेसिक कंडीशन लगाइएगा अब आपको ना एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि वो बेसिक कंडीशन क्या कहते हैं बहुत सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिखिए बहुत सिंपल एक एक लाइन लिख लीजिएगा बट वो दो बेसिक कंडीशन को आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा ठीक है तो आप लिख सकते हैं अगर आपको सेक्शन याद है सेक्शन सिक्स होता है इसका बट अगर आपको सेक्शन याद नहीं है मान लेते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं एन इंडिविजुअल बिकम्स अपनी लैंग्वेज में लिखिए ठीक है एग्जाम में भी अपनी लैंग्वेज में लिखना है आपको एन इंडिविजुअल बिकम्स रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ ही शी कुछ कोई भी हो सकते हैं वो इफ ही या शी सैटिस्फाइज एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अब वो कंडीशन क्या थी फर्स्ट था द इंडिविजुअल ही या शी

sixty days or more sixty days or more during the previous year and three sixty five days or more during the preceding फोर प्रीवियस ईयर्स ठीक है प्रीवियस ईयर से जो पिछले चार साल हैं वहाँ पे थ्री सिक्सटी फाइव डेज़ और मोर याद आता है आपको दोनों कंडीशंस या तो वो वन एट्टी टू डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में हैं उनका नंबर उनका डेज ऑफ स्टे या फिर सिक्सटी डेज़ और मोर है प्लस सिक्सटी डेज के साथ साथ पिछले चार साल के थ्री सिक्सटी फाइव डेज़ ही देखेंगे ठीक है तो आप जरा जल्दी से चेक करते हैं कि उनका नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे कितना है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी हर स्टे इन इंडिया कितना था सर एटींथ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी से लेकर एटीन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी से नहीं यहाँ पर ही मैं ये बात ही कर रहा था कि यहां पर स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं प्लीज एटीन मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी से मत लीजिएगा देखिए आप लोग क्या लिख रहे हैं आप लोग लिख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन का स्टे ठीक है तो ये प्रीवियस ईयर शुरू होता है फर्स्ट अप्रैल से क्या वो फर्स्ट अप्रैल को इंडिया में थे हाँ सर वो मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी में इंडिया आ गए थे और वो टेंथ ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी तक इंडिया में रहे थे बट हमारे वाले प्रीवियस ईयर में तो कहाँ से शुरू हो रहा है अप्रैल से तो वो यहाँ पर अप्रैल में थे अप्रैल मे जून जुलाई और अगस्त ठीक है दिस इज अप्रैल ट्वेंटी मे ट्वेंटी जून जुलाई और अगस्त इतने दिन इंडिया में थे उसके बाद फिर वो दोबारा लौट कर आए इसी साल फेबररी में शी केम टू इंडिया अगेन ऑन ट्वेंटी थर्ड थर्ड और फेब ठीक है ट्वेंटी थर्ड और फेबर उसके बाद वो इंडिया से वापस कब गए उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इसका मतलब वो फेबररी में जब आए ट्वेंटी थर्ड को मार्च में भी इंडिया में स्टे रहा फिर उसके बाद शी केम टू इंडिया इन फेबर ट्वेंटी वन और फिर वो मार्च 21 में भी इंडिया में होंगे ठीक है तो यहाँ पर मैंने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त यहाँ पर इंडिया में थे उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी इंडिया में नहीं थे वो मैंने नहीं लिया फेबर और मार्च में इंडिया में थे तो अप्रैल में तो पूरे थर्टी डेज ठीक है मे के थर्टी वन जून थर्टी जुलाई थर्टी वन डेज अगस्त में वो दस अगस्त को शायद है ना दस अगस्त को यानी कि टेन डेज अगस्त के

सिक्स डेज और मार्च के पूरे थर्टी वन डेज जल्दी से काउंट कीजिएगा का कितने दिन हो रहे हैं ये वन सिक्सटी नाइन डेज आ रहा है मेरा वन सिक्सटी नाइन डेज इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो सैटिस्फाइड हो नहीं पाई क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में 182 डेज मिनिमम चाहिए था बट यहाँ पर 182 डेज तो बना नहीं, 169 सेकंड कंडीशन सेटिसफाइड हो रहा है अब ये देखना पड़ेगा सेकंड कंडीशंस में दो बातें लिखी हैं फर्स्ट बात कहती है सिक्सटी डेज कम से कम प्रीवियस ईयर में हो चलो इतना तो हो रहा है सेटिस्फाइड बट साथ साथ में हमें ये और चेक करना है कि पिछले चार साल में वो थ्री डेज इंडिया में थे तो जल्दी से चेक कर लेते हैं हर स्टे ड्यूरिंग लास्ट फोर ईयर्स लास्ट फोर ईयर्स का मतलब है प्रीवियस ईयर 1920 में कितने दिन का स्टे था प्रीवियस ईयर 1819 प्रीवियस ईयर सबको समझ में आ रहा है 1718 और प्रीवियस ईयर सिक्सटीन सेवेंटीन इस चार साल में इनका स्टे कितना था चलिए 1920 में स्टे था क्या हाँ शी केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम इन 1920 ट्वेंटी और वो कब आए थे एटीन मार्च को तो एटीन मार्च को इंडिया में आए थे और मार्च के थर्टी वन डेज माइनस सेवनटीन कर दीजिएगा क्योंकि एटीन को तो इंडिया में आ गए थे तो थर्टी वन माइनस सेवनटीन कर सकते हैं ना फोर्टीन डेज ठीक है आप ऐसे का आप सिंपली काउंट कर, कर, कर सकते हैं एटीनथ मार्च एटीन 19 ट्वेंटी ट्वेंटी वन टी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थर्टी थर्टी वन ठीक है तो फोर्टीन डेज बन रहे हैं तो यहाँ पर वो फोर्टीन डेज के लिए इंडिया में थे और शी केम टू फर्स्ट टाइम तो इसका मतलब तो पहले कभी वो आए नहीं थे इंडिया में तो नल 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 हो जाएगा तो लास्ट फोर्टीन सॉरी लास्ट फोर इयर्स का सिर्फ फोर्टीन डेज ही बन पाया ठीक है हमें कितना चाहिए था कम से कम पिछले चार साल में थ्री सिक्सटी फाइव डेज होना चाहिए था बट यहाँ तो बहुत कम बन पाया फोर्टीन डेज यानी कि सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाई Neither the first condition of one eighty two days is getting satisfied nor, neither nor the second condition is getting satisfied. So in that case may do no he condition satisfied so, therefore since, since both the above conditions are not satisfied. शी इज नॉन रेसिडेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन बोले या फिर असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं तो ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में शी इज असिडेंट ठीक है तो अब ये नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन ने यह पूछा था कि इनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या था तो वो हमारा आ गया नॉन रेजिडेंट इनका रेजिडेंस का रेसिदेंट से से स्टेटस था ठीक है अगर आपको इतना लिखना है तो आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं इतना नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है मैं बिल्कुल इस तरीके से लिखवा रहा हूँ जो आप एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि डेट टू आप अपनी बुकिश लैंग्वेज ही लिखनी है नहीं उसका मीनिंग ठीक निकलना चाहिए एक नॉर्मल सिंपल इंग्लिश लिखें ठीक है शॉर्ट में लिखें उसका मीनिंग ठीक निकल रहा हो ओके मैं चेंज कर रहा हूँ आप इतना लिख सकते हैं चलिए अब हमसे पूछा गया है कि इनकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है तो उसको और कंप्यूट कर लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिसेस जसमेन फॉर असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू कौन कौन सी इनकम हम देख रहे थे कि कौन सी इनकम आई है तो शी इज हैविंग हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्योंकि रेंट पर दिया गया है फर्स्ट ऑफ मे से ये रेंट पर था ट्वेंटी एट थाउजेंड पर मंथ उसके बाद पूरे साल रेंट पर रहा इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि एक बार रेंट पर दिया तो आगे तक वो रेंट पर था बट अप्रैल में वो परचेज तो कर लिया गया था पर रेंट पर नहीं था तो एक्चुअल रेंट तो आ जाएगा ट्वेंटी एट थाउजेंड इंटू इलेवन एग्री है ना आप इंटू इलेवन ट क्यों नहीं क्योंकि सर वो अप्रैल में रेंट पर नहीं था मे से वो रेंट पर गया तो इंटू इलेवन मंथ आएगा एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है म्यूनसिपल वैल्यू या फेयर रेंटल वैल्यू विच इज हायर उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से विच इज लोअर वो गिवन नहीं है ठीक है एक्सपेक्टेड रेंट गिवन नहीं है तो हम इसी को एक्चुअल रेंट को ही जी मानेंगे और इसी से सॉल्व कर देंगे ठीक है ट्वेंटी ए की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे, दे देंगे थर्टी ऑफ एन और ट्वेंटी फोर बी ये पूरा का पूरा मिल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है दो लाख से ज़्यादा है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सेल्फ ऑक्यूवाइड प्रॉपर्टी नहीं है लेट आउट प्रॉपर्टी है तो ये दो लाख पंद्रह हज़ार पाँच सौ पूरा का पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा म्यूनिसपल टैक्सेस यहाँ पर है नहीं ठीक है सर ये तो नॉन रेसिडेंट है ये इनकम क्यों हम टैक्सेबल करेंगे अरे ये अराइज हो रही है इंडिया में ठीक है ये तो इंडियन इंडिया में इन्होंने फ्लैट परचेज किया था इनकम इंडिया में अराइज़ हो रही है ये तो वेदर यू आर अ नॉन रेसिडेंट और यू आर अ नॉन रेसिडेंट तो दोनों ही केस में ये तो टैक्सेबल होता है तो ये इनकम तो टैक्सेबल होने वाली है और गिफ्ट जो मिले हैं वाइल्ड इज़ इन इंडिया तो वो भी टैक्सेबल होगा बट गोल्ड चेन इन लॉ से मिली है रिलेटिव से मिली है कार को हम लेते नहीं हैं वन सेवेंटी टू थाउजेंड आई एफ ओ एस की इनकम बनेगी तो दो इनकम आने वाली है एक तो हाउस प्रॉपर्टी दूसरी आई एफ ओ एस सबसे पहले इनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ठीक है हाउस प्रॉपर्टी तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ट्वेंटी एट थाउजेंड पर मंथ इनका रेंट आता है इन टू इलेवन कर दीजिएगा ट्वेंटी एट थाउजेंड इंटू इलेवन थ्री लाख एट थाउजेंड लेस कीजिएगा इसमें से जीएवी में से लेस करते हैं म्यूनिसपल टेक्सेस पेड बट क्वेश्चन में गिवन नहीं है म्यूनिसिपल टैक्सेज तो जीरो कर देंगे हम लोग तो ये हमारा नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी एन लिख सकते हैं आप एग्जाम में शॉर्ट में एनए लिखिए थ्री लाख एट थाउजेंड इज द एन फिर लेस कीजिए इसमें से डिडक्शंस अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ए स्टैंडर्ड स्टैंडर्डक्शन कितनी होती है एट रेट ऑफ थर्टी परसेंट ऑफ एनएवी थर्टी परसेंट ऑफ एनएवी इसका थर्टी परसेंट आ जाएगा नाइनटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड इसको माइनस कीजिए ट्वेंटी फोर बी इंटरेस्ट लोन कितना था टू लाख फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड था ना टू लाख फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू लाख फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये हमारी हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गई तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज थ्री लाख एट थाउजेंड माइनस नाइन्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड माइनस टू लाख फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सौ रुपये आ रहा है एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ नाइन्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड टू लाख फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हाँ जी सौ रुपए आ रहा है बस ठीक है हाउस प्रॉपर्टी इनकम इनकी आ गई हंड्रेड रुपीज की ठीक है दूसरी इनकम होगी इनकी आई एफ ओ एस की सेकेंड आई एफ ओ एस इनकम गिफ्ट ठीक है सेक्शन फिफ्टी सिक्स में आता है ना ठीक है इनकी गिफ्ट की इनकम होगी सबसे पहले तो सबके बारे में बताना पड़ेगा आप उसको एग्जाम लिख दीजिएगा गोल्ड चेन गोल्ड चेन ये एग्जेम्ट होगी क्यों एग्जेम हुआ रिलेटिव से मिली है दूसरा कार ये भी एक्सिम्ट है और इसके दोनों में से कोई भी आप रीजन लिख सकते हैं एक तो रिलेटिव से मिली है इसलिए भी एग्जेम है दूसरा कार कवर्ड नहीं है प्रॉपर्टी में इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है इसलिए भी आप इसको नहीं लेंगे तो ये भी एग्जेम्ट है हाँ बाकी जो आपको गिफ्ट्स मिले हैं कैश गिफ्ट मिला है वन लाख सेवेंटी टू थाउजेंड फ्रेंड से मिला है ये टैक्सेबल हो जाएगा ठीक है हस्बैंड के फ्रेंड या फ्रेंड्स कुछ ऐसे बोल सकते हैं तो वन लाख सेवेंटी टू थाउजेंड टैक्सेबल हो जाएगा तो टोटल हमारी जी आ गई है वन लाख सेवेंटी टू थाउजेंड वन हंड्रेड तो ये हमारा आंसर आ गया हमें यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम ही चाहिए थी जल्दी से आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू के सेकेंड पार्ट पर बी पार्ट और इनफैक्ट बी के भी दो पार्ट हैं फर्स्ट और सेकेंड और सेकेंड के भी अगेन वन और टू ओके टू बी दिस क्वेश्चन सेज मिस्टर जय

तो आप इस कैजुअल इनकम से मत सेट ऑफ कीजिएगा आप इसको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है सैलरी से भी कर सकते हैं पीजीबीपी से भी कर सकते हैं दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं और दोनों ही आपको पता है कि नॉर्मल इनकम होती है स्लैब रेट्स लगते हैं तो यहाँ पर भी ऐसे भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि किससे करें जिससे हमारा टैक्स मिनिमम आए क्योंकि सैलरी इनकम हो या पी हो दोनों से सेट ऑफ़ भी हो सकते हैं और सैलरी और पी जी दोनों ही नॉर्मल इनकम होती है तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है हम सैलरी से भी कर सकते हैं हाउस पीजी बी पी से भी कर सकते हैं सैलरी से कर देंगे ज़्यादा ठीक रहेगा कंप्यूटर्स टेक्स लाइबिलिटी एंड एडवांस टेक्स ऑब्लीगेशन अच्छा एडवांस टेक्स की ऑब्लिगेशन कब आती है कि जब हमारा जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है आफ्टर टी वगैरह टेन या उससे ज्यादा की बन जाए तो एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशन भी आ जाती हैं ओके okay, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर पी इनकम है 40 आई में कैजुअल इनकम है 560 सिक्सटी ठीक है ग्रॉस सैल ग्रॉस इनकम है ये और सैलरी की इनकम वन ट्वेंटी हाउस प्रॉपर्टी सैलरी हाउस प्रॉपर्टी बीजेपी भी -बी -बी, कैपिटल गेन नहीं है बस इसमें ठीक है कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर टू का बी पार्ट उसका भी फर्स्ट ऐसे लिख दीजिएगा मेरे साथ आंसर हमें निकालना है कंप्यूटर टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूटेशन ऑफ टेक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर जे जे असेसमेंट इयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू के लिए तो वी हैव सैलरी इनकम वी ऑल्सो हैव हाउस प्रॉपर्टी पी जी बी पी और आई एफ ओ है सारा है और वो पूरा का पूरा कैजुअली है सो हाउ मच इज हिज सैलरी इनकम सैलरी इनकम है वन ट्वेंटी हाउस प्रॉपर्टी क्लास थर्टी थाउजेंड अच्छा हाउस प्रॉपर्टी क्लास दूसरे हेड से सेट ऑफ हो जाता है बट मैक्सिमम टू लाख तक तो यहाँ पे तो सिर्फ थर्टी थाउजेंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सैलरी so से ही सेट ऑफ कर लेते हैं सैलरी था वन ट्वेंटी सैलरी वन ट्वेंटी था इसमें से लेस कर देंगे एच पी का लॉस थर्टी थाउजेंड का इससे सेट ऑफ कर देते हैं सैलरी इनकम नाइन्टी थाउजेंड गई सैलरी में लॉस था थर्टी थाउजेंड का और इसको सेट ऑफ कर दिया हमने सेट ऑफ थर्टी थाउजेंड सेट ऑफ कर दिया अब ये जीरो हो गया पीजीवी भी तो फोर्टी थाउजेंड आ रहा है ठीक है इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं डायरेक्ट आपको गिवन है पीजीबीपी जी फोर्टी थाउजेंड है और हमारे पास आईएफओएस की कैजुअल इनकम है फाइव लाख सिक्सटी थाउजेंड फाइव सिक्सटी ये हमें क्वेश्चन में गिवन था तो कितना हो गया ये नाइन्टी थाउजेंड प्लस फोर्टी थाउजेंड प्लस फाइव सिक्सटी तो क्वेश्चन में यही गिवन था हमारे पास कि सिक्स लाख नाइन्टी थाउजेंड हमारी इनकम है तो दिस इज जी टी आई ग्रॉस टोटल इनकम लेस करते हैं इसमें से चैप्टर सिक्स से डिडक्शन एट्टी सी से लेकर एट्टी यू तक तो वो सब कुछ गिवन नहीं है जीरो तो ये हमारी टोटल इनकम आ जाती है टोटल इनकम ठीक है अब यहाँ पर हम अपना टैक्स लाइबिलिटी निकाल देते हैं कि टैक्स लाइबिलिटी कितनी आती है अब हम लोगों को पता है कि आ, इस टोटल इनकम में अगर कोई हमारी स्पेशल इनकम है स्पेशल इनकम क्या होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए वन वन टू है वो सब नहीं है बट कैजुअल इनकम है इसमें कैजुअल इनकम कितनी है इसमें टैक्स लाइबिलिटी तो इसमें फाइव लाख सिक्सटी थाउजेंड हमारी कैजुअल इनकम है एट रेट ऑफ थर्टी परसेंट उसके ऊपर टैक्स आ जाता है और बाकी की रिमेनिंग इनकम कितनी बची तो दिस इज कैजुअल इनकम और हमारी रिमेनिंग इनकम बचती है सिक्स नाइन्टी माइनस फाइव सिक्सटी सो इट इज़ वन लाख थर्टी थाउजेंड के ऊपर इस पर स्लाब रेट लगेंगे अच्छा एक और बात बताइएगा हम लोग जब ऐसा करते हैं जब कभी हम तो टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकालते हैं तो हम अपनी स्पेशल इनकम को अलग लिखते हैं और रिमेनिंग इनकम को अलग लिखते हैं बिकॉज अलग अलग टैक्स रेट है तो एल टी सी जी जीरो है यहाँ पर एल टी सी जी जीरो है ट्रिपल वन ए जीरो है वन वन टू ए नल ए सबको ये बात पता है ना और हमारे पास कैजुअल इनकम आ रही है और नॉर्मल इनकम आ रही है और नॉर्मल इनकम कितनी आ रही है वन थर्टी और यहाँ पर डेफिशिएंसी है यानी कि हमारे यहाँ पर बेसिक एग्जाम्शन लिमिट पूरी एग्जॉस्ट नहीं हो रही है तो हम देखते हैं कि कितनी डेफिशिएंसी है तो अगर यहाँ पर एस की एज वगैरह नहीं दी गई नॉर्मल एज मान लेते हैं तो यहाँ पर हमारी जो रिमेनिंग इनकम आ रही है वो सिर्फ वन थर्ट आ रही है तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड की डिफिशियंसी है जिससे कि हमारी बेसिक एक्जामेशन लिमिट पूरी एग्जॉस्ट हो जाए वो हम कहाँ से मूव कर सकते हैं वो कहाँ से ले सकते हैं एल से ले सकते हैं ट्रिपल वन ए से ले सकते हैं वन से ले सकते हैं बट कैजुअल इनकम से कभी भी ये डिफिशियंसी मूव नहीं होती है तो फिर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और वन की स्लैब रेट लगाएंगे तो इसके ऊपर तो टैक्स ने लाया इसके ऊपर तो टैक्स जीरो हो गया फाइव के ऊपर टैक्स आया थर्टी परसेंट वन लाख सिक्सटी एट थाउजेंड ठीक है तो यहाँ पर जीरो था तो वन सिक्सटी एट इतना आ गया प्लस इसमें फोर परसेंट सेस एड कीजिएगावन टू जीरो तो कितना आ गया वन सेवेंटी फोर सेवन टू जीरो वन लाख सेवेंटी फोर थाउजेंड सेवन ट्वेंटी की टैक्स लाइबिलिटी आ गई ठीक है इसका मतलब दस हज़ार या उससे ज़्यादा अमाउंट आ रहा है एडवांस टैक्स देना पड़ेगा पर प्लीज़ याद रखिए साफ साफ दिया गया था कि जो कैजुअल इनकम थी ये ग्रॉस थी और जब कभी भी कैजुअल इनकम आपको मिलती आपको पता है आपको बताया थर्टी परसेंट का इसके ऊपर टी डी एस चला जाता है तो इसके ऊपर टी डी एस भी दिया होगा सेक्शन याद है आपको अगर आपको सेक्शन याद नहीं है वन नाइन्टी फोर बी होता है बट अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो आप सिंप, सिंपल लिख दीजिएगा टी डी एस ऑन कैजुअल इनकम या लॉटरी थी ना टी डी एस ऑन लॉटरी अगर आपको सेक्शन याद नहीं है अगर आपको सेक्शन याद है तो कोट कर दीजिएगा अंडर सेक्शन 194 भी और वो कितना डिडक्ट होता है थर्टी परसेंट तो फाइव लाख सिक्सटी थाउजेंड का थर्टी परसेंट टी भी चला गया होगा तो फाइव लाख सिक्सटी थाउजेंड का थर्टी परसेंट हम निकाल भी चुके हैं वन सिक्सटी एट तो आपका वन लाख सिक्सटी एट थाउजेंड का टी भी चला गया होगा अब आपकी जो टैक्स पेबल आ रहा है अल्टीमेटली वो सिर्फ आ रहा है सिक्स पक्का मैंने कैसे किया वन सेवेंटी फोर सेवन ट्वेंटी माइनस वन सिक्सटी एट से सिक्स सेवन टू जीरो आ रहा है और ये दस हजार से कमी है तो यहां पर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आएगी देयर वुड बी देयर वुड बी नो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी एस टैक्स पेबल इज लेस देन रुपीज, और हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन खत्म हो जाता है तो इजी क्वेश्चन था आ, बट हाँ एक दो अच्छे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे सबसे पहले कि आप यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था वो सेट ऑफ हो सकता है दो लाख मैक्सिमम पर यहाँ पे तीस हजार तक ही था तो हमने तीस हजार कर दिया दूसरी बात कोई डेफिशिएंसी का मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ वन वन टू एल टी सी जी से हो सकता है वन वन टू से हो सकता है ट्रिपल वन ए से हो सकता है और वन वन टू ए से हो सकता है ठीक है बाकी तो और कोई मूवमेंट होगा नहीं और फिर उसके बाद आप लोग इसके ऊपर थर्टी परसेंट टेक्स निकाल देंगे प्लस ए से ऐड करेंगे और माइनस करेंगे जितना टी डी एस ऑलरेडी जा चुका होगा तो ये दस हज़ार से ज़्यादा इसलिए नहीं है यहाँ पर आ नहीं रहा है इसलिए देर वुड बी नो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी तो आप इसको भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है इतना अब हम हाँ इसके सेकेंड पार्ट पर आते हैं टू बी का सेकेंड पार्ट ओके। पार्ट में लिखा हुआ so, है एग्जामिन विद दो, -दो, -ती, दो, -ती, दो -ती लाइन तीन तीन लाइन आप लिख सकते हैं मैक्सिमम आपको बताना ट्रू और फॉल्स और विद रिगार्ड टू द प्रोविजन और साथ साथ में सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं बताना उसके साथ रीजन भी देने है आपको तो फर्स्ट गिवन है द असेसिंग ऑफिसर हैज द पार इंटरेलिया टू अलॉट पैन टू एनी पर्सन बाय होम नोट इज पेबल अच्छा इंटर इंटरेलिया का मतलब क्या होता है इंटर इंटरेलिया का मतलब अमंग अदर थिंग्स इसका मतलब ये है कि असेसिंग ऑफिसर के पास पावर हैं उसके पास काफ़ी सारी पार्स होती हैं उसमें से एक कौन सी पावर है टू अलॉट पैन नंबर वो परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉट कर सकता है टू एनी पर्सन बाय हुम नो टैक्सेस पेबल अगर इससे मान लेते हैं किसी एस एस सी का या किसी भी व्यक्ति का कोई टैक्स पेबल नहीं है तो क्या हम उसको पैन नंबर अलॉट कर सकते हैं ए ओ द आंसर इज येस ट्रू ठीक है यहाँ पर आंसर हमारा ट्रू है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है ठीक है नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन ऐसी हैं उसकी उसको कोई डाउट है वहाँ पर कि इसकी इनकम होती है इनको पैन नंबर अलॉट करना चाहिए तो वो अलॉट कर सकता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर तो इसका आंसर आप लोग ये मेरे ख्याल से खुद लिख लेंगे द आंसर वुड बी ट्रू और साथ साथ में द असेसिंग ऑफिसर हैज पार अगर उसको लगता है कि नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं कि उसको

अब ये ROI के चैप्टर से क्वेश्चन पूछ साइनिंग ऑफ रिटर्न का कि कौन कौन साइन कर सकता है तो हमने एक एक सेक्शन पढ़ते हैं तो पे साइनिंग ऑफ रिटर्न का आता एच यू एफ के बारे में पढ़ते हैं जो करता होता है वो साइन कर सकता है रिटर्न पर बट अगर करता एबसेंट है मान लेते हैं कि वो इंडिया में नहीं है वो इंडिया के बाहर है तो कोई भी मेम्बर एच यू एफ का हाँ माइनर uh, नहीं होना चाहिए वो मेजर हो एडल्ट मेंबर कोई भी वेदर द पर्सन इज अ मेल मेंबर और अ फीमेल मेंबर दोनों लोग साइन कर सकते हैं अगर करता एब्सेंट है, है तो यहां पर लिखा हुआ है सिर्फ मेल मेंबर साइन कर सकता है नहीं ये बात गलत है तो ये it would be false, ये इट वुड बी फॉल्स फॉल्स आ जाएगा और आप लिख दीजिएगा इफ द इज देन एनी एडल्ट मेंबर कैन साइन द रिटर्न ऑफ इनकम वेदर द पर्सन इज अ मेल मेंबर और अ फीमेल मेंबर ठीक है absent, income, तो ये दोनों तो दो बहुत आसान थे तो आप इजली ये पोर्शन तो आप कर सकते हैं चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन थ्री एस इज यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर राजा तो यहाँ पर हमें सैलरी इनकम कंप्यूट करनी है ऑफ मिस्टर राजा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड एड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन सेवन मार्क्स का ये क्वेश्चन है थ्री ए ही रिटायर्ड ऑन थर्टी वन ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप पूरे बारह महीने की सैलरी नहीं निकालेंगे बिकॉज ही रिटायर्ड ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी इसका मतलब जनवरी फेबररी मार्च में बेसिक सैलरी वगैरह नहीं टैक्सेबल होगी सिर्फ दिसंबर तक होगी मतलब नाइन मंथ्स के लिए। ले अप्रैल से लेकर दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी बनते हैं बेसिक सैलरी वगैरह जो रेगुलर इनकम इनकी मिलती है वो सिर्फ टेन नाइन मंथ्स की लीजिएगा अप अपटिल दिसंबर ठीक है उसके बाद तो उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह आ जाएंगे सो ही रिटायर्ड ऑन थर्टी ट्वेंटी एट द एज ऑफ सिक्सटी इसका मतलब सीनियर सिटीजन है आफ्टर पुटिंग इन वैसे भी हमें टैक्स लाइब्रेरी नहीं निकालनी है वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सैलरी After putting in 25 years and nine months of service from a private company at Delhi, ठीक है Delhi में है ये और वहां से retire हुए हैं 25 साल 9 महीने काम करने के बाद he was paid salary of 25,000 per month, house rent allowance 6,000 per month, and he paid rent of 6,500 per month during his tenure of service. अच्छा कहाँ पर rent pay कर रहे होंगे Delhi में, ठीक है? तो इनको salary मिलती है 25,000 per month, 9 months की निकालिएगा, हाउस रेंट अलाउंस नाइन मंथ्स का ही होगा और उसमें आपको यहाँ पर एग्जामेशन भी मिल जाएगी ठीक है जो आपको तीन एग्जामेशन है तीन में से ऑफ द फॉलोइंग अभी हम लोग देख भी लेंगे तो फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि 25 साल नाइन मंथ्स के बाद ये रिटायर हुए हैं सेकेंड इन्फॉर्मेशन में सैलरी के बारे में और हाउस रेंट के बारे में बातें दी गई हैं थर्ड पॉइंट में कहता है कि ऑन हिज रिटायरमेंट ही वॉज पेड ग्रेटिटी

एन एम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इज सर्विस ठीक है इनको पंद्रह दिन की छुट्टियाँ ये अक्यूमलेट करते थे हर साल दिस वॉज इन कैश बाई हिम एट द टाइम ऑफ इज रिटायरमेंट और रिटायरमेंट पर इनको पैसे मिले दैट इज लीव तो लीव इन कैशमेंट के बारे में आप लोग जानते हैं हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे कितने पैसे मिले हैं थ्री लाख फिफ्टीन थाउजेंड इनको रिसीव हुए हैं और इम्प्लॉयर इनको थर्टी डेज पर एनएम की छुट्टियाँ देता था जिसमें से ये फिफ्टी डेज की छुट्टियाँ करते थे बाकी की अवेल वगैरह कर लेते होंगे ओके, okay. ही रिसीविंग 5000 पर मंथ पेंशन इनकी पेंशन बनी पांच हजार पर मंथ कब से बनेगी जनवरी ऑनवर्ड जनवरी मार्च वगैरह वहां पर इनको पेंशन मिलने लगी बट इन्होंने बट वन टू अनकम्यूटेड कितनी रहेगी फोर्टी परसेंट तो जनवरी में तो फाइव थाउजेंड पूरा मिलेगा बट फेबर और मार्च के लिए प्लीज इसका फोर्टी परसेंट दो हज़ार आएगा टू थाउजेंड टू थाउजेंड वो तो अनकम्यूटेड मिलेगी और बाकी कम्यूट करने के बाद जब सिक्सटी परसेंट कम्यूट करे तो कितनी पेंशन मिली थ्री लाख रुपीज की ओके गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो कम्यूटेड पेंशन पूरी, पूरी एग्जेम्ट हो जाती है बट यहाँ पर पूरी एग्जाम नहीं होगी ठीक है अब क्या होता है ही नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनके लिए देखते हैं कि क्या भी मिली, है? Yes, भी मिली है तो सिर्फ वन थर्ड ऑफ पेंशन जितना भी बनता है कम्यूटेड पेंशन अपॉन परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन जो आपको पता है इस तरह के फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं तो वहां पर एग्जाम भी हो जाएगी अभी हम लोग प्रेजेंटेशन जब देख करेंगे तो आप ये पूरा देख सकते हैं कंपनी प्रेजेंटेड हिम विद अ गिफ्ट वाउचर ऑफ फाइव थाउजेंड रुपीज ऑन इज रिटायरमेंट कंपनी ने इनको गिफ्ट दिया पांच हजार तक का इंप्लॉयर से अगर पांच हजार तक के गिफ्ट मिल जाते हैं एग्रीगेट में तो उसको एक्सम्ड कर देते हैं पांच हजार से ऊपर मिल जाते हैं तब टेक्सेबल होता है ठीक है दो पॉइंट ऑफ व्यू है फॉर एग्जाम्पल पांच हजार से ऊपर मिल जाता है लेट से फॉर एग्जाम्पल सिक्स थाउजेंड रुपीज मिल जाता है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप सिक्स थाउजेंड पूरा टेक्सीबल कीजिए ठीक है सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप इनिशियल फाइव थाउजेंड माइनस कर दीजिए और इन एक्सेस ऑफ फाइव थाउजेंड टेक्सीबल की दोनों ही एक्सेप्टेबल है इंस्टीट्यूट दोनों को ही एक्सेप्ट करता है जनरली अगर मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर

तो जब कलीग से पैसे मिलते हैं क्या वो सैलरी इनकम no. होती है तो दैट इज आई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है तो कलीग से गिफ्ट है तो टेक्सीबल हो जाता है अगर वो उसका एग्रीगेट टोटल हम लोग देखते हैं उसका एग्रीगेट पचास हजार से ज्यादा है फ्रेंड्स वगैरह से मिलता है तो हम उसको टैक्सेबल कर देते हैं बट वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आना चाहिए बट यहाँ पर तो एक तो पचास हजार से ऊपर जा नहीं रहा है ठीक है आई एफ ओ एस की इनकम भी एग्जिम हो जाएगी दूसरा रीजन क्या है मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन वो प्रॉपर्टी की असेट्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता इसको अगर ये 50000 से ज्यादा भी होता ना तो भी आप आईओएफएस में मत लीजिएगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आता अगर ये गोल्ड होता या सिल्वर होता या कोई प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते, होते पेंटिंग्स होती ठीक है या फिर इन अगर Uh, ये शेयर्स वगैरह होते तब आप टैक्सेबल करते हैं अभी आप टैक्सेबल मत कीजिएगा ठीक है ये आपका क्वेश्चन है यहां पर हमें सैलरी इनकम निकालनी है चलिए शुरू करते हैं इसको आंसर थर्ड ए कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर राजा 2021-22, okay. के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप लिस्ट बना लीजिए कि आपको अपने एम्प्लॉय से क्या क्या मिल रहा है तो यहाँ पर हमें मिल रही है बेसिक सैलरी डी एन एस अलाउंस ग्रेटिटी लिव इन कैशमेंट पेंशन और फिर गिफ्ट्स। बेसिक सैलरी सेकेंड है सॉरी एच आर एच आर ए था हाउसेंट अलाउंस डी एन एस अलाउंस नहीं था वर्किंग नोट नंबर वन बना लेंगे इसका एच आर ए के लिए फिर हमें मिल रही है ग्रेटिटी इसके लिए भी आप वर्किंग नोट बना सकते हैं वर्किंग नोट नंबर टू लीव इन कैशमेंट इसके लिए वी कैन प्रिपेयर वर्किंग नोट नंबर थ्री पेंशन पेंशन अगेन टू पार्ट्स एक अनकम्यूटेड पेंशन ठीक है और दूसरी कम्यूटेड पेंशन एंड देन गिफ्ट्स फ्रॉम एम्प्लॉयर ठीक है तो आई बिलीव मैंने सारी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी हाउस रेंट अलाउंस ग्रेटिटी स्पॉन्ट में लिव कैशमेंट पेंशन कम्यूटेड अनकम्यूटेड दोनों और फिर गिफ्ट वाउच मिला गिफ्ट फ्रॉम जो कलीग से मिल रहा है ठीक है मोबाइल फोन उसके बारे में एक और नोट लिख लेंगे हम लोग सो स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ की सैलरी है तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ की बेसिक सैलरी है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू ट्वेल्व करेंगे या अप अपटिल दिसंबर है तो नाइन मंथ्स की ही ले पाएंगे हम लोग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू नाइन सो दिस इज टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज एच आर ए के लिए वर्किंग नोट नंबर वन बना लेते हैं अच्छा आपको पता है सैलरी जब हम टोटल निकालते हैं तो इसका टोटल आ जाएगा हमारा ग्रॉस सैलरी इसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 तो तीन डिडक्शन्स होती हैं एक तो स्टैंडर्ड uh, डिडक्शन जो कि नॉर्मली हमेशा होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन जो सिर्फ गवर्नमेंट इम्प्लॉइज को मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ यहाँ पर एंटरटेनमेंट अलाउंस भी नहीं है द पसन इज़ नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और थर्ड होती है टेक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर टेक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टेक्स बोल सकते हैं वो भी नहीं है यहाँ पर तो यू हैव टू गिव ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन ही देंगे ये हमारी सैलरी इनकम आ जाएगी यहां पर हमारा मेन क्वेश्चन खत्म होगा बट अभी हमें वर्किंग नोट्स भी बनाने होंगे पर मैं स्पेस ले लेता फॉर वर्किंग नोट्स। फर्स्ट वर्किंग नोट है एच ए के लिए हाउस रेंट अलाउंस के लिए तो हाउस रेंट अलाउंस मिला है सिक्स थाउजेंड पर मंथ एंड नहीं। तो अप December, का मिला है, में से रहे थे तो सिक्सटी फाइव हंड्रेड का रेंट पे कर रहे थे डेली में ही ऑफकोर्स कर रहे होंगे तो एच आर ए हो सकता है कि ये डेली के आसपास भी रहते हो बट हमें वो

सेकेंड होता है रेंट पेड माइनस टेन परसेंट ऑफ सैलरी और यहां पर सैलरी कौन सी लेनी होती है आरबीएस सैलरी रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी तीन पॉइंट्स आते हैं उसमें बेसिक सैलरी डी ए फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्न ओवर याद आता है आपको रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी लेनी होती है आरबीएस हम लोग ऐसे पढ़ते हैं आरबीएस सैलरी बेसिक सैलरी आती है उसमें डीए आता है फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर ओवर यहाँ पर कमीशन नहीं है डीए भी नहीं दिया गया तो सिर्फ बेसिक सैलरी को ही कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पर सैलरी की डेफिनेशन में और थर्ड पॉइंट होता है फोर्टी परसेंट ऑफ सैलरी या फिफ्टी परसेंट ऑफ सैलरी वो डिपेंड करता है कि डेली मुंबई चेन्नई या कोलकाता में तो फिफ्टी परसेंट दूसरी सिटीज में तो फोर्टी परसेंट बट यहाँ पर डेली है तो फिफ्टी परसेंट ऑफ सैलरी सैलरी का मतलब सेम रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी तो सबसे पहले तो सैलरी कौन सी लेनी होती है आरबीएस सैलरी पहले तो सबसे पहले हम आरबीएस सैलरी ही कंप्यूट कर लेते हैं आरबीएस सैलरी कितनी होगी तीन पॉइंट्स आते हैं यहाँ पर बेसिक सैलरी प्लस डी ए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस फिक्स्ड परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर ऑल दो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर है नहीं इस क्वेश्चन में बट तो फिर भी मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ जिससे कि आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाए तो बेसिक सैलरी कितने मंथ्स की लेनी है सर जितने महीने के एच -E की कंपटिशन कर रहे हैं उतने महीने की नाइन मंथ्स की लेनी होगी तो बेसिक सैलरी है यहाँ पर नाइन मंथ्स की ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू नाइन टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डी वगैरह कुछ था नहीं यहाँ पर तो दिस इज योर आर सैलरी चलिए ये पॉइंट्स हम अपने Exemptions one, two, three में रख देते हैं Actual ठीक है जितने दिन का एच आर ए कंपिटिशन कर रहे हैं उतने ही पीरियड का रेंट पे आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स काफी गलती कर देते हैं वो इंटू ट्व कर देते हैं भाई इंटू ट्व क्यों करेंगे आप इफ यू आर कैलकुलेटिंग और एच आर एग्जामिशंस फॉर नाइन मंथ्स तो एवरी थिंग शुड भी ऑफ दोज नाइन मंथ्स ठीक है वो भी उसी नाइन मंथ्स की यहाँ पर होनी चाहिए सिक्सटी फाइव हंड्रेड इंटू नाइन माइनस टेन परसेंट ऑफ सैलरी माइनस टेन परसेंट ऑफ सैलरी कितनी आई थी टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का टेन परसेंट जल्दी बता दीजिए कितना हो गया सिक्सटी फाइव हंड्रेड इंटू नाइन ये हुआ है फिफ्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड मैं लिख देता हूं फिफ्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस कर दीजिए इसमें से टेन परसेंट ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस हो जाएगा सिक्स so थाउजेंड और ये होता है फिफ्टी परसेंट ऑफ सैलरी फिफ्टी परसेंट ऑफ टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इज वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब इन तीनों में से लीस्ट द लीस्ट वुड बी थर्टी सिक्स थाउजेंड थर्टी सिक्स थाउजेंड हम लोग एग्जेप्ट कर देंगे आ गया हमारे पास टेक्सेबल एच आर ए हो जाएगा फिफ्टी फोर थाउजेंड जितना रिसीव हुआ उसमें से थर्टी सिक्स थाउजेंड माइनस कर देंगे एटीन थाउजेंड रुपीज

अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो फिर तो पूरा का पूरा ग्रेटुटी जितना भी मिला है वो पूरा एग्जिम्ट हो जाता है बट ही इज़ नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय अब फिर हम देखते हैं कि वेदर ही इज़ कवर्ड अंडर ग्रेटुटी एक्ट या नॉट कवर्ड अंडर ग्रेटुटी एक्ट तो यहाँ पर गिवन है ही इज़ कवर्ड अंडर ग्रेटुटी एक्ट तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें कंप्यूटेशन करेंगे कितना ग्रेटुटी हम 350 में से एग्जिम्ट कर सकते हैं तो फॉर दिस वी आर मेकिंग अ वर्किंग नोट नंबर टू ग्रैटुटी के लिए सेकेंड वर्किंग नोट बना लेते हैं ग्रेटिटी के लिए तो इनको ग्रेटिटी रिसीव कितनी हुई है रुपीस थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड तो थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड की ग्रेटिटी मिली है इसमें से लेस करेंगे एग्जम्प्ट यहां पर भी तीन पॉइंट्स होंगे आपको याद है फर्स्ट होता है एक्चुअल ग्रेटिटी वो है हमारी थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड सेकेंड होता है fixed limit. Fixed limit कितनी है ट्वेंटी लाख ट्वेंटी लाख हमारे ग्रेटिटी के लिए फिक्स लिमिट होती है ठीक है और थर्ड है बिकॉज ही इज कवर्ड अंडर ग्रेटिटी एक्ट उनके लिए हम लोग लेते हैं फिफ्टीन बाय ट्वेंटी सिक्स इनटू सैलरी ठीक है लास्ट ड्रॉन सैलरी जो होती है इनटू टू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट द ऑफ इन एक्सेस ऑफ सिक्स मंथ अगर छः महीने से ज़्यादा है तो फिर हमें आगे राउंड ऑफ़ करना होता है ठीक है अगर ये नॉट कवर्ड होते हैं तो नॉट कवर्ड में क्या आता है फिफ्टीन बाई ट्वेंटी सिक्स नहीं आता वहाँ पे वन अपॉइंट टू आता है ठीक है और यहाँ पर भी सिर्फ ओनली कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस आते हैं पार्ट ऑफ द ईयर को इग्नोर किया जाता है जो लोग कवर्ड नहीं होते ग्रेटिटी एक्ट में बट जो लोग कवर्ड हैं उनके लिए तो हम राउंड ऑफ करते हैं तो फिफ्टीन बाई ट्वेंटी सिक्स ये होगा फिफ्टीन बाई ट्वेंटी सिक्स इंटू सैलरी में आता है बेसिक सैलरी प्लस डी ए ये यहाँ पर है नहीं तो सिर्फ बेसिक सैलरी लास्ट रन वो थी 25000 इनटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ एन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स अब यहाँ पर ही हैज स्पेंट 25 ईयर्स एंड 9 मंथ्स और 6 मंथ्स से ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पर तो वो राउंड ऑफ कर देंगे टोटल 26 ईयर्स ले लेंगे सो दिस इज 26 तो हम इसको अगर कैलकुलेट करें थ्री लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड सो वी है थ्री फिफ्टी सेकेंड है 350, second है, 20 third है 375. तीनों में से जो जो भी लीस्ट है, उसको कंसिडर किया जाएगा तो this is 350. तो दिसम्प्ट हो जाएगा यहाँ पर इन तीनों में से थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड इज दीस्ट वन तो कितना ग्रेटिटी मिला था थ्री फिफ्टी एग्जेट भी थ्री फिफ्टी हुआ वुड बी न ये आ गया तो ये हमारे वर्किंग नोट नंबर टू से हमारा टेक्सीबल ग्रेटिटी आ जाता है ठीक है नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वर्किंग नोट लीव इन कैशमेंट करना है लीव इन कैशमेंट में नेक्स्ट पेज पर कर लेता हूं थर्ड लीव इन कैशमेंट सबसे पहले बताइए रिसीव कितना हुआ है ही हैज़ रिसीव्ड थ्री लाख फिफ्टीन थाउजेंड इनको रिसीव हुआ है पंद्रह दिन की छुट्टियां इनको हर साल ये एक्यूमलेट करते थे और मिलती थी इनको मैक्सिमम थर्टी डेज लीव रिसीव हुआ है थ्री लाख फिफ्टीन थाउजेंड इसमें से एग्जेम्प्ट करते हैं लेस एग्जेम्प्ट याद है आपको लीव इन कैशमेंट कितना एग्जेक्ट करते हैं अगेन लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग और यहां पर चार पॉइंट्स होते हैं ठीक है ग्रेटी में तीन पॉइंट्स होते हैं ऑफ़ द फॉलोइंग यहां पर चार होते हैं ऑफ़ द फॉलोइंग आपको याद भी आ रहा होगा फर्स्ट एक्चुअल लीव इन कैशमेंट कितना है वो थ्री लाख फिफ्टीन थाउजेंड सेकेंड फिक्स लिमिट होती है थ्री लाख रुपीज थ्री लाख फिक्स लिमिट होती है के लिए ये या आपको याद होना चाहिए थर्ड लिमिट इज टेन इंटू एवरेज सैलरी और एवरेज सैलरी में यहाँ पर सैलरी में क्या क्या लेना होता है सैलरी में लेना होता है आर बी एस सैलरी रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी बेसिक सैलरी डी ए फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्न ओवर और एवरेज सैलरी कितना पिछले दस महीने का एवरेज ठीक है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट टेन मंथ्स ऑफ लास्ट टेन मंथ्स का एवरेज लेना होता है ठीक है इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट रिटायरमेंट से ठीक पहले के दस महीने तो एवरेज सैलरी यहाँ पर हमें लेना है बेसिक सैलरी एवरेज डी ए फॉर्मिंग पार्ट प्लस percentage कमीशन ऑन टर्न ओवर कमीशन नहीं है डी ए फॉर्मिंग पार्ट नहीं है सिर्फ बेसिक सैलरी और वो भी बेसिक सैलरी चेंज नहीं हुई है ठीक है सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी गई है पच्चीस हजार है तो पच्चीस हजार को ही अगर हम पिछले दस साल दस महीने का एवरेज लेंगे तो पच्चीस हजार ही आएगा बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग चेंजड तो यहाँ पर बहुत सिंपल हो जाता है हमारे लिए टेन इंटू एवरेज सैलरी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ही आएगा सो दिस इज टू लाख फिफ्टी थाउजेंड और फोर्थ है लीव्स एट क्रेडिट कितनी लीव्स हैं हमारे पास और ये लीव्स एट क्रेडिट हमें मंथ्स में चाहिए कि हमारे पास कितने महीने की लीव्स हमारे पास बची हैं इनटू टू एवरेज सैलरी एवरेज सैलरी की तो वही डेफिनेशन है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ही आएगा यहाँ पर तो लीव से द क्रेडिट निकालना पड़ता है कि हमारे पास कितने दिन की छुट्टियाँ हैं और जब लीव से द क्रेडिट लेते समय प्लीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ यहाँ पर क्वेश्चन तो सिंपल है बिकॉज आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है कि एम्प्लॉयर इनको थर्टी डेज़ की ही लीव देता है मैक्सिमम एक साल में क्योंकि हमारा लीव इन कैशमेंट की एक्जामिशन भी यही कहती है कि हमें मैक्सिमम थर्टी डेज़ के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करना चाहिए और यहाँ पर क्वेश्चन क्योंकि थर्टी डेज ही बोल रहे हैं तो मुझे कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है तो आपको फिफ्टीन डेज़ की छुट्टियां मिलती हैं ठीक है ठीके? और कितने साल तक आप एक्यूमलेट करते रहे हैं ये फिफ्टीन डेज़ की छुट्टियां फिफ्टीन डेज़ की छुट्टियां आप ट्वेंटी फाइव ईयर्स नाइन मंथ्स तक एक्ूमलेट करते रहे हैं बट नाइन मंथ्स पार्ट ऑफ़ द मंथ को इग्नोर करना पड़ता है यहाँ पर हम सिर्फ पार्ट ऑफ़ द ईयर को इग्नोर करते हैं सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स ही लेते हैं तो ट्वेंटी फाइव ईयर्स तक आ जाएगा यानी कि पंद्रह दिन की छुट्टियाँ हमने ट्वेंटी फाइव ईयर्स तक एक्ूमलेट की होंगी ये होता है लीव द क्रेडिट और इसको भी हमें मंथ्स में चाहिए होता है ठीक है यहाँ पर मंथ्स में करने के लिए डिवाइड बाय आप थर्टी कर सकते हैं तो ये तो डेज आ गया ठीक है ये तो डेज आ गया इतना डेज आ गया तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे थर्टी से तो मंथ्स आ जाएगा तो मैं इसको शो नहीं कर रहा हूँ आपको सिंपल यहाँ पर बोल देता हूँ डिवाइडेड बाय थर्टी डेज ठीक है थर्टी क्यों लिया है मैंने ये थर्टी क्यों लिया है थर्टी सिर्फ रीज़न है मुझे मंथ्स में चाहिए था बिकॉज क्यू मंथ्स में चाहिए था क्योंकि ये ये जो एवरेज सैलरी है ये मंथली सैलरी है तो आप ऐसा नहीं है कि ये आप डेज में लें और आप इसको मंथ्स में कर कर दें मान लेते हैं कि अगर मैं ऐसा कर लेता आई बिलीव भी आपको पता होगा बट फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ अगर हर साल के हम हमारे पंद्रह दिन की छुट्टियाँ हम एक्यूमलेट करते हैं यानी कि पच्चीस साल तक हमने फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी फाइव डेज की छुट्टियाँ एक्यूमलेट करी होंगी फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी फाइव डेज आ जाएगा बट क्या हम इसको मंथ्स कि मंथली सैलरी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं अगर आप मंथली सैलरी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसको भी मंथ्स में ही चाहिए इज़ द रीजन हम इसको मंथ्स में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय थर्टी कर कर देते हैं तो इसलिए हम इसको डिवाइड बाय थर्टी कर लेते हैं इंटू एवरेज सैलरी एवरेज सैलरी तो पच्चीस हजार पर मंथ ही है ये हो गया ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी थाउजेंड थ्री लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाउ यू हैव फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ और चारों में से लीस्ट क्या आया है थ्री लाख फिफ्टीन थाउजेंड थ्री लाख टू फिफ्टी और थ्री लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड चारों में से लीस्ट आया है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग सॉरी टू लाख फिफ्टी थाउजेंड लीस्ट आया और टोटल हमें मिला था थ्री लाख फिफ्टीन थाउजेंड जिसमें से हम टू फिफ्टी माइनस कर दें दिस इज सिक्सटी फाइव थाउजेंड लीव इन कैशमेंट ये हमारा लीव इन कैशमेंट आया ये टेक्सेबल होने वाला है सो दिस इज माई वर्किंग नोट नंबर थ्री सिक्सटी फाइव थाउजेंड अपने मेन आंसर में लीव इन कैशमेंट सिक्सटी ठीक है। Now come to pension. Pension हमें जो अनकम्यूटेड मिलती है uncommuted pension तो fully taxable होती है। अब हमें जनवरी फेबररी और मार्च की पेंशन मिली अनकम्यूटेड जनवरी की तो फाइव थाउजेंड ही थी ठीक है याद है आपको मुझे याद है इसके मैंने फाइव थाउजेंड लिख दिया पूरा जनवरी की फाइव थाउजेंड थी एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको लिखा हुआ है रुपीज ही इज रिसिंग रुपीज फाइव थाउजेंड एज पेंशन इनको पांच हजार पर मंथ की पेंशन मिलने लगी ठीक है यहाँ पे पर मंथ लिख देना चाहिए था बट मिसिंग है बट ऑब्जेक्टिव यही है यहाँ पर, पर मंथ की ही पेंशन है ये फर्स्ट फेबर ट्वेंटी परसेंट कम्यूट कर लिया अभी भी अनकम्यूटेड है और अनकम्यूटेड पेंशन तो फुली टेक्सीबल होती है तो यहाँ पर फेबर में आ जाएगा मार्च में भी टू थाउजेंड रुपीज सब लोग समझ के ऑल आप एग्जाम में इसको अलग अलग करके मत दिखाइएगा मैंने आपको सिर्फ शो कर दिया जिससे आपको समझ में आ जाए कि जनवरी के पाँच हज़ार फेबररी का फोर्टी परसेंट और मार्च का भी फोर्टी तो परसेंट आप इसको सिंपल लिख दीजिएगा अनकमिटेड पेंशन फाइव थाउजेंड जनवरी के लिए और टू थाउजेंड इंटू टू जन फेबर और मार्च के लिए तो दिस इज़ नाइन थाउजेंड रुपीज़ तो ये पेंशन है इसको टेक्सीबल करिएगा और कम्यूटेड पेंशन अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो फुली एग्जेम्ट है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हम इसमें से कुछ पोर्शन एग्जेम्ट कर देते हैं बट जब ये पोर्शन कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि वेदर द पर्सन इज रिसीविंग और नॉट तो ही इज रिसीविंग रिस तो इनको कम्यूटेड पेंशन पहले ये देख लीजिए मिली कितनी है मिली है थ्री लाख रुपीज और कितना कम्यूट करा है सिक्सटी परसेंट तो इनको कम्यूटेड पेंशन मिली है रुपीज थ्री लाख इसमें से लेस कीजिएगा एग्जाम कितना एग्जाम करते हैं अगर ग्रेटी भी मिली है तो वन थर्ड वन थर्ड ऑफ व्हाट वन थर्ड ऑफ जितनी हमें पेंशन कम्यूट होके मिली है डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन थ्री लाख डिवाइडेड बाय सिक्सटी परसेंट थ्री लाख डिवाइडेड बाय सिक्सटी परसेंट करके आता क्या है कि अगर ये हम हंड्रेड पेंशन कम्यूट करा लेते तो वो कितनी होती ठीक है तो थ्री लाख सिक्सटी परसेंट के बराबर है तो अगर हंड्रेड परसेंट करा लेते हो तो कितना होता आप सिंपल कर सकते हैं थ्री लाख सिक्सटी परसेंट के बराबर है तो थ्री लाख डिवाइड बाई सिक्सटी परसेंट मतलब पांच लाख होती तो पांच लाख ,00 का वन थर्ड आपको करना है तो यहाँ पर थ्री लाख डिवाइड बाई सिक्सटी परसेंट आ गया पांच लाख ,00 तो पांच लाख ,00 का वन थर्ड पांच लाख का वन थर्ड आ जाता है वन लाख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सिक्स सिक्स सेवन इतनी पेंशन आप एग्जेम्ड कर देंगे दिस इज द पेंशन विच इज रिसीव्ड कम्यूटेड इसमें से इतना एग्जेप्ट तो माइनस कर थर्टी थ्री 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 दिस इज पेंशन तो हमारी पेंशन बनी है नाइन लाख प्लस सॉरी 9000 प्लस इतना 9000 प्लस इतना लाख ट्रिपल थ्री दिस इज माय टैक्सेबल पेंशन ठीक है अनकम्यूटेड जो रेगुलर पेंशन थी वो 9000 9000 सबको समझ में आ गया कैसे हुई जनवरी की पूरी 5000 और फरवरी और मार्च की 2000 2000 और कम्यूटेड पेंशन जितना भी मिला उसमें से वन 3 एग्जम्प्ट हो जाएगा 1/3 ऑफ द पेंशन टोटल हंड्रेड परसेंट होती है तो कितना होता तो वो कितना होता पांच लाख कैसे आ, आता है सिंपल कर देते हैं थ्री लाख डिवाइड बाई 60 परसेंट ठीक है नाउ गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर मैं नीचे कर लेता हूँ इसको गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर क्योंकि पांच हजार से ज्यादा नहीं था अप टू रुपीज ही था

कलीग्स इज नॉट अ सैलरी इनकम हम हमें तो सिर्फ सैलरी इनकम निकालनी थी तो यहाँ पर ये सैलरी इनकम नहीं होती तो एक मैं नोट भी देख सकता हूँ यहाँ पर नोट नंबर फोर फ्रॉम नॉट सैलरी इनकम वो सैलरी इनकम नहीं होती ठीक है क्योंकि सैलरी नहीं निकालना था तो हम सिंपल बोलते थे इट इज नॉट अ सैलरी इनकम और वैसे भी अगर आई ओ में भी ले जाते हैं तो वहाँ पर भी एग्जेंट हो जाती है वो ठीक है जल्दी से टोटल कर दीजिएगा टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस एटीन थाउजेंड प्लस सिक्सटी फाइव थाउजेंड प्लस वन फोटी टू ट्रिपल थ्री सो दिस इज फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड थ्री 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 बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डक्शन भी मिलेगी पचास हजार की ठीक है वो तो मिलेगी सिंपल कितनी होती है स्टैंडर्डक्शन जितनी भी ग्रॉस सैलरी होती है या फिफ्टी तो ग्रॉस सैलरी तो फोर फिफ्टी थी तो फिफ्टी थाउजेंड विच इज़ लोअर फिफ्टी थाउजेंड ही आएगा इसको माइनस कर दीजिएगा तो सैलरी इनकम कम्स टू फोर लाख ट्रिपल थ्री ठीक है दिस इज सैलरी इनकम क्या इसको राउंड ऑफ करना है नहीं इसको राउंड ऑफ नहीं करना होता टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना होता है फिर बाद में जब टैक्स लाइबिलिटी आती है उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है हर हेड की इनकम को राउंड ऑफ नहीं करना आपको सैलरी इनकम इतनी ही रखिएगा ठीक so तो right है मैं चेंज कर रहा हूं स्क्रीन यू कैन पॉज द वीडियो हेयर अगर मैं इसको और ज्यादा जूम इन करता हूं वर्किंग नोट नंबर वन देख लीजिए वर्किंग नोट नंबर टू ठीक है आई एम चेंजिंग द स्क्रीन थर्ड और फोर्थ ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री बी This question says, Mr. Gyan Chand purchased 1200 shares of A Limited at rupees 130 per share. उन्हें 1200 shares खरीदे हैं. Cost कितनी है? 130 per share. और purchase किए गए थे shares 26 to 19179 को. ठीक है, काफी पहले purchase किए गए थे. In fact, 2001 से भी पुराने purchased हैं.

कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट जीरो मानते हैं नील द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर एट मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एज ऑन फोर टू थाउजेंड वन की वैल्यू दी गई है नाइन हंड्रेड पर शेयर यानी कि जो ट्वेल्व हंड्रेड शेयर थे क्योंकि वो काफी पुराने हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट तो वन थर्टी है बट हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन और वो कितनी है नाइन हंड्रेड पर शेयर तो हम नाइन हंड्रेड को कंसिडर कर सकते हैं टू थाउजेंड पर शेयर एज ऑन थर्टीन अब यह डेट काफी है। आपको पता है कि हमारे पास सेक्शन है लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स, ठीक है स्टॉक एक्सचेंज पर बेचे जाते हैं लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स अगर स्टॉक एक्सचेंज पर बेचे जाते हैं तो उसका जितने का अमाउंट में बेचे गए तो और फुल वेल्यू ऑफ कंसिडरेशन और अगर ये खरीदे गए हैं तो इसके लिए हम क्या लेते हैं अगर ये हमें अलॉट हुए थे 31 1 2018 से पहले तो हम इनके एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दिस डेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दिस डेट व्हिच एवर इज हायर लेते हैं ठीक है याद आता है आपको 112 ए ऑन 7th 7 2020 मिस्टर गजानन सोल्ड 1800 शेयर्स एट रेट ऑफ 2400 पर शेयर

क्वेश्चन नंबर थ्री का बी पार्ट है ना ये आंसर थ्री बी कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑफ मिस्टर ज्ञान चंद असेसमेंट इंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है सबसे पहले ओरिजिनल शेयर्स के लिए देख लेते हैं फॉर ओरिजिनल शेयर्स ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स थे एक्वायर्ड बिफोर वन फोर टू थाउजेंड वन से भी पुराने शेयर्स थे ये। ठीक है तो इनके लिए सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज हाउ मच इज द सेलिंग प्राइस द इज ट्वेंटी फोर हंड्रेड पर शेयर तो पहले अभी हम ओरिजिनल शेयर्स के लिए कर रहे हैं फिर हम बोनस शेयर्स के लिए भी करेंगे तो राइट नाउ एम टॉकिंग अबाउट ट्वेल्व हंड्रेड शेयर एट ट्वेंटी फोर हंड्रेड पर शेयर दिस इज ट्वेल्व हंड्रेड Rupees. ,00, से कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन ठीक है और कॉस्ट ऑफ एक्विजन का इंडेक्सेशन करते हैं क्या नहीं वन वन टू ए में इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है अब इसकी कॉस्ट कितनी लेते हैं सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन वन एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन विच एवरेज हायर लेनी है एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी इस शेयर्स की वन थर्टी और इसकी 2001 में वैल्यू कितनी थी 900 पहले तो इन दोनों में से हायर देखेंगे तो 130 एक्चुअल कॉस्ट थी पर शेयर और रुपीज नाइन पर शेयर विच एवर इज हायर तो सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा 900 ठीक है इस कॉस्ट को पूरा कॉस्ट मानते हुए माइनस कर दे द आंसर इज नो क्योंकि यहाँ पर ये शेयर्स वन Thirty one one two thousand eighteen से भी पुराने हैं तो इनके ऊपर हमारे पास एक लॉ है कि इनके एक्चुअल कॉस्ट देखते हैं या फिर हम देखते हैं फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन वन सॉरी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन thirty first जनवरी two thousand eighteen ठीक है इन दोनों में से हायर इन दोनों में से हायर देखते हैं और आपको ये भी याद होगा सिर्फ हम फेयर मार्केट वैल्यू ऑन थर्टी फर्स्ट जनवरी एटीन को कंपेयर भी करते हैं सेलिंग सेलिंग प्राइस प्राइस से और सबसे पहले इन दोनों में से जो भी लोअर आता है उसको लेना पड़ेगा तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन थर्टी फर्स्ट जनवरी 2018 एटीन कितना दिया हुआ था टू थाउजेंड रुपीज टू थाउजेंड और सेलिंग प्राइस ट्वेंटी फोर हंड्रेड पर शेयर था ना एक शेयर का मैं ले रहा हूँ इन दोनों में से लोअर लेना है तो दिस इज टू थाउजेंड रुपीज और यहाँ पर वन वन टू ए कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट और फिर मार्केट वैल्यूज ऑन थर्टी फर्स्ट जनवरी एटीन या फिर सेलिंग प्राइस से भी कंपेयर करते हैं अगर सेलिंग प्राइस इससे भी कम होता है तो फिर तो सेलिंग प्राइस ही ले लेते हैं बट इन दोनों में से विच एवरेज लोअर टू थाउजेंड आया इन दोनों में से विच एवरेज हायर ठीक है काफी इंपॉर्टेंट होता है वन वन टू ए और मुझे लगता है कि अब आपको अच्छे से आता भी होगा वन वन टू ए विच एवर इज हायर मैं पूरा नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आई बिलीव आपको वन वन टू ए आता है अच्छे से सो दिस इज टू थाउजेंड रुपीज इन टू कितने शेयर्स हैं हमारे ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स टू थाउजेंड इन टू ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी फोर लाख यहां से हमारी आ जाता है फोर लाख एटी थाउजेंड का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन वन वन टू ए ठीक है अब हम बातें कर लेते हैं अपने बोनस शेयर्स के लिए भी फॉर बोनस शेयर्स कितने शेयर्स थे ये सिक्स हंड्रेड शेयर्स Full value of consideration, full value of consideration, the 600 shares into 1200, sorry, 2400 kasana into 2400, 14 lakh 80,000, sorry, 14 lakh 40,000. लेस कीजिएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी लेते हैं इसकी एक्चुअल कॉस्ट कॉस्ट कितनी थी इसकी? थी एक्चुअल इसकी पक्का ठीक है क्या हम यहां पर वन फोर टू थाउजेंड वन की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे द आंसर इज नो क्योंकि ये के बाद एक बार किए गए थे बोनस शेयर्स बोनस शेयर टू थाउजेंड टू में अलॉट हुए थे उसकी एक्चुअल कॉस्ट तो नील थी बट हम इसको कंपेयर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू एजॉन on फर्स्ट जनवरी 2018 और इस फेयर मार्केट वैल्यू को आप सेलिंग प्राइस से भी कंपेयर कीजिए विच एवरेज लोअर लेना होता है और इन दोनों में से विच एवरेज हायर लेना होता है पहले तो ये देख लेते हैं हम लोग इसका फेयर मार्केट वैल्यू टू थाउजेंड रुपीज गिवन थी अभी हमने कैलकुलेट हमने हम देखा भी सेलिंग प्राइस है ट्वेंटी फोर हंड्रेड इन दोनों में से लोअर तो आ, आएगा टू थाउजेंड और निल, और टू थाउजेंड में से विच एवर टू थाउजेंड दिस इज टू थाउजेंड इन टू सिक्स हंड्रेड या गया हमारे पास ट्वेल्व लैक ठीक है फोर्टीन पॉइंट फोर माइनस ट्वेल्व लाख टू लाख फोर्टी थाउजेंड तो टोटल हमारे पास कैपिटल गेन आ जाता है फोर और टू फोर्टी सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन वन वन टू ए ठीक है डन चलिए इसको भी अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा यहां पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं आप यहां पर भी इसको नोट कर सकते हैं ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट अग्रवाल तो है सेंस एच यू तो इन द ईयर 1950 तो बहुत पुरानी हाउस प्रॉपर्टी है जो इन्होंने रुपीस की की थी किसने ट्वेंटी ट्वेंटी को दूफ टोटली टोटल पार्टीशन हो गया एंड मिस्टर सुभाष अग्रवाल द फैमिली तो एक फैमिली थी एच यू एफ और इसका पार्टीशन हुआ और इन्होंने एक अपनी प्रॉपर्टी अपने किसी मेंबर को दे दी है तो इसके बारे में हम लोग जानते भी हैं आप, आपका ध्यान सेक्शन 47 पर चला जाएगा ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज़ ट्रांसफ़र जब भी हाउस प्रॉपर्टी या फिर किसी भी एच का ट्रांसफ़र होता है और वो अपनी प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र कर देती है ठीक है तो उसके हाथों में वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाता ठीक है दिस ट्रांजेक्शन वॉज नॉट रिगार्डेड एज़ ट्रांसफ़र एच की कोई इनकम नहीं मानी जाएगी बिकॉज उसके ऊपर कैपिटल गेन ही नहीं लगेगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस एज ऑन थर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी वॉस ट्वेंटी वन लाख और एफ एम वी ऑफ द हाउस एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन वॉस थ्री फिफ्टी ठीक है तो जिस दिन हमने ये एच यू एफ ने किसी अपने मेंबर को दिया उस समय उसकी वैल्यू ट्वेंटी वन लाख थी और टू थाउजेंड वन में इसकी वैल्यू थ्री फिफ्टी थी सबसे पहले तो हमें थ्री फिफ्टी का भी कुछ नहीं करना क्योंकि कैपिटल गेन तो एच यू एफ के हाथों में आएगा नहीं बिकॉज वी नो सेक्शन फोर्टी सेवन यहाँ पर डील करता है ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड ट्रांसफर तो वहां पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें से एक हमारा यहाँ पर पॉइंट जो यूज हो रहा है वो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी कैपिटल से ट्रांसफर करता है एच यू एफ ऑन इट्स इधर चाहे वो फुल पार्टीशन हो या वो पार्शल पार्टीशन हो वो एच यू एफ के हाथों में कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा तो नो कैपिटल गेन विल इन द हैंड्स ऑफ एच यू एफ दूसरा ये जब कभी भी किसी मेंबर को रिसीव होता है ठीक अगर ये मेंबर को रिसीव होता है अपने कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है देन अगेन इट इज वो आपके आई एफ ओ एस की इनकम भी नहीं बनती तो क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट विल बी टैक्स इंप्लीकेशन इन हैंड ऑफ मिस्टर सुभाष अग्रवाल एंड एच यू एफ तो सुभाष अग्रवाल के लिए और एच यू एफ के लिए कितनी इनकम आप बनाइएगा दोनों ही केस में किसी की भी इनकम नहीं बन रही है तो आप इसको कैसे करेंगे सबसे पहले मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सिंपल है आप लोग लिख सकते हैं पर मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे लिखना होगा दिस इज आंसर थ्री सी सबसे पहले आप लिख दीजिएगा इन दफ एच यू एफ एच यू एफ के लिए आप क्या करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कि सुभाष अग्रवाल के लिए और एच यू एफ के लिए क्या टैक्स एम्प्लीकेशन आ जाएगी सबसे पहले आप इन द हैंड्स ऑफ एच यू एफ लिखिएगा और यहाँ पर आप बातें लिख दीजिएगा देर वुड बी नो कैपिटल गेन इन देंड्स ऑफ एच यू एफ क्योंकि यहाँ पर सेक्शन फोर्टी सेवन और अगर आपको सेक्शन फोर्टी सेवन का नंबर याद है तो प्लीज़ कोट कर दीजिएगा यहाँ पे सेक्शन फोर्टी सेवन रोल प्ले करेगा ट्रांजेक्शन विच इज़ नॉट रिगार्डेड इज ट्रांसफर अगर आपको सेक्शन फोर्टी सेवन याद नहीं है तो सिंपल लिख दीजिएगा ठीक है ठीक है कैपिटल इज ट्रांसफर्ड ऑन

तो यहाँ पे बता दीजिएगा देयर वुड बी नो टैक्स इम्प्लीकेशन देयर विल बी नो टैक्स इम्प्लीकेशन एंड इट विल बी नॉट बी टैक्सेबल इन द हेड ऑफ आई एफ एस आई एस में भी हम टैक्सेबल नहीं करेंगे एज गिफ्ट बिकॉज इट इट इज इज गेटिंग इट्स ओन वो हमारे खुद के एच यू एफ से मिल रहा है तो यहाँ पर कोई कैपिटल गेन इनका भी नहीं आएगा तो यहाँ पर भी एक दो लाइन आप के लिए लिख सकते हैं ठीक है तो ये सिंपल क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं Uh, तीन नंबर का क्वेश्चन है नहीं? आप आराम से तीन नंबर आपके पूरे आ सकते हैं अगर आप सिंपल इस तरीके से प्रेजेंटेशन करें एच के हाथों में क्या होगा दो लाइंस लिखिएगा सुभाष अग्रवाल के हाथों में क्या होगा यहाँ पर भी एक दो लाइंस लिखिए दीजिएगा ठीक है नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर फोर ए कहता है कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर मयंक फॉर असेसमेंट इ्वेंटी वन ट्वेंटी टू

लॉस बिजनेस प्रॉपर्टीजेशन समझ में आ रहा का है चलिए पहले हाउस प्रॉपर्टी दो हाउस प्रॉपर्टी दी हुई है और यहां पर हमारे पास लॉस आ रहा है दोनों में टू पॉइंट सिक्स लाख का ठीक ,00 है टू लाख सिक्सटी थाउजेंड का लॉस है टू पॉइंट सिक्स लाख का लॉस है ये लॉस आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी दूसरी इनकम सेट ऑफ हो सकता है सिर्फ कैजुअल इनकम से नहीं हो सकता ठीक है आप इसको सैलरी से पीजीबीपी से कैपिटल गेन से आई एफ से भी कर सकते हो बट आई एफ नॉर्मल रहे तो ठीक है कैजुअल से नहीं कर सकते तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ हो सकता है बट अगर दूसरे हेड से सेट ऑफ होना है तो मैक्सिमम कितना सेट ऑफ कर सकते हैं सिर्फ दो लाख का तो यहाँ पर हम सिर्फ दो लाख का लॉस सेट ऑफ करेंगे ठीक है दूसरे हेड से और सिक्सटी थाउजेंड का जो लॉस है वो फिर कैरी फॉरवर्ड होगा और हाउस हाउस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का लॉस लॉस नेक्स्ट तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है तो ये दोनों पॉइंट के थे फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस जब कभी भी सेट ऑफ का क्वेश्चन हो ना इस तरीके का तो हमेशा दो बातें ध्यान रखिए सबसे पहले तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से कि कौन कह, कहाँ कहा, कहा पर इनकम आ रही है कहां पर लॉस आ रहा है दूसरी बात एक बार ना आपको सिर्फ दो मिनट लगेंगे एक्स्ट्रा और आप उसको रफ में एक बार सॉल्व करके देख लीजिए रफली सॉल्व कीजिए रफ में मतलब जो आपके आंसर uh, शीट का लास्ट पेज होता है ना जो रफ पेज होता है जिसको आप रफ पेज लिखकर आप बाद में उसको कट भी कर दीजिएगा जब आप अपनी आंसर शीट सबमिट करेंगे तो रफ पेज पर एक बार आपको सॉल्व कर लेना चाहिए कि मैं कौन सी कौन से लॉसेस को मैं कौन सी इनकम के साथ सेट ऑफ करूँगा क्योंकि इससे एक बार सिर्फ दो मिनट की देने की जरूरत है जिससे कि आपको प्रेजेंटेशन समझ में आ जाए कि आप इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करने वाले हैं अदरवाइज प्रेजेंटेशन में स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कुछ लिख देते हैं फिर कट करके फिर बार बार उसमें कटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है क्वेश्चन में तो अच्छा रहेगा कि एक बार आप दो मिनट लगाकर पहले रफ में सॉल्व कर लें तो पहले अभी हम पढ़ लेते हैं इसको फिर हम इसको सॉल्व करेंगे ओके लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस एक्स अस्सी हज़ार का लॉस आ रहा है अब आपको पता है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस से अगर लॉस आता है तो वो स्पेकुलेटिव ही इनकम के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है किसी दूसरी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता और फिर अगर नहीं सेट ऑफ हो पाया फिर वो कैरी फॉरवर्ड होता है स्पेकुलेशन लॉस चार साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो तो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस चालीस अस्सी हजार का था और प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस वाई दूसरा स्पेकुलेटिव बिजनेस है उससे फोर्टी थाउजेंड का प्रॉफिट है ठीक है तो ये जो एटी थाउजेंड का लॉस है इसको हम के प्रॉफिट सेट से ऑफ कर देंगे फिर भी उसके बाद फोर्टी बचेगा, और फोर्टी थाउजेंड का इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एट रेट ऑफ एट परसेंट एट परसेंट क्यों दिया हुआ इनकम वाली इनकम होगी ठीक है तो यहां से हमारी पीजीवीपी की इनकम आ रही है थ्री फिफ्टी अच्छा मुझे बताइए जो चालीस हज़ार का लॉस था यहाँ से एटी थाउजेंड में से चालीस हज़ार तो आपने सेटिस वहाँ पे सेट ऑफ कर दिया था बट चालीस हजार का जो लॉस बचा था क्या वो नॉर्मल इनकम पीछे इनकम से कर सकते हैं द आंसर इज नो ठीक है स्पेकुलेटिव नॉर्मल से नहीं होता नॉर्मल उल्टा हो जाता है बाईस वर्षा हो जाता है नॉर्मल अगर लॉस हो नॉर्मल बिजनेस का लॉस हो उसको अगर हमें स्पेकुलेटिव से करना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कर सकते हैं

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ वेकेंट साइट कंप्यूटेड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है टू लाख टेन थाउजेंड का ठीक है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी अच्छा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है क्या वो लॉन्ग टर्म से हो सकता है हाँ हो सकता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से हो सकता है बट लॉन्ग टर्म का लॉस हो तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही होता है वो शॉर्ट टर्म से भी नहीं हो सकता तो हमारा जो शॉर्ट टर्म का लॉस है उसको हम लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ कर देंगे फॉरवर्ड फॉरवर्ड लॉस लॉस ऑफ़ बिजनेस बिजनेस फॉर असेसमेंट है का 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 एक का, का है, 550 का. पहले मुझे बताइए क्या इसको आठ साल पूरे हो चुके हैं नहीं अभी इसको आठ साल पूरे नहीं हुए हैं तो इस लॉस को हम कंसिडर कर सकते हैं और ये लॉस किससे क्योंकि ये का था, तो ये बिजनेस की इनकम के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है तो इनकम आ रही है इससे वो सेट ऑफ हो सकता है पुराने लॉसेज डोनेशन टू तो चैरिटेबल ट्रस्ट रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन बाय चेक 1, 10, रुपीस। ये क्या चीज है हमने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दी है तो इसकी एट्टी जी में डिडक्शन मिल जाएगी और ये भी अच्छी बात है कि आपने चेक से पेमेंट की है ठीक है तो यहाँ पर एट्टी जी की डिडक्शन आपको मिल जाएगी ट्वेल्व डबल ए क्या होता है ट्वेल्व डबल ए मतलब एक चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर हमने पैसे दिए अलाउड होता है बट क्या हंड्रेड परसेंट डिडक्शन अलाउड होती है एट्टी जी में यहाँ पर नहीं अगर आप रिकोगनाइज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दे देते हैं अलाउड है बट फिफ्टी परसेंट ही होती है ठीक है तो इसका हाफ ही हो पाएगा बट फिफ्टी परसेंट होती है रिस्पेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट तो क्वालिफाइंग लिमिट भी हमें देखनी पड़ेगी आपको याद आता होगा एट्टी जी में चार बॉक्सेज होते थे कि चार जगह आप डोनेशन दे सकते हैं फर्स्ट तो हंड्रेड परसेंट अलाउड थी सेकेंड फिफ्टी परसेंट अलाउड थी राजीव गांधी जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी वगैरह वो फिफ्टी परसेंट अलाउड थी बाकी के दो बॉक्सेज और होते हैं जहां पर हम लोग देखते हैं हंड्रेड परसेंट अलाउड है सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट और 50% कुछ लास्ट वाला था 50% परसेंट अलाउड है सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट तो ये क्वालिफाइंग लिमिट वाली बातें हमें यहाँ पर करनी पड़ेंगी एनहैंस कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर कंपल्सरी एक्विजेशन ऑफ लैंड हमें एक लैंड का एनहेंस कंपनसेशन मिला है जो पहले कभी एक्वायर किया गया था 2006 में उसके पैसे अब मिले हैं तो ये अभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा ठीक है जब कभी भी इन्हेंस कम्पन्न मिलता है तो जिस साल वो एक्चुअली रिसीव होता है तो उस साल आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम बनेगी ठीक है तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये सात मार्क्स का है बट आपको बहुत ध्यान से इसको करना पड़ेगा अच्छा एक तो इसमें सैलरी की इनकम है ठीक है सैलरी से इनकम आ रही है एक हमारी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ रहा है ठीक है बिजनेस का भी स्पेकुलेटिव का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा बिजनेस की इनकम भी आ रही है ब्रॉड फॉरवर्ड से भी सेट ऑफ कर सकते हैं ये इंटरेस्ट एग्जेप्ट है और कैपिटल गेन भी आ रहा है कैपिटल गेन टू लैख टेन थाउजेंड का लॉन्ग टर्म थ्री लाख का भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इससे फिर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचेगा अब क्वेश्चन ये है आपका अब ये चीज जो मैं बोल रहा था कि आपको रफ में एक बार देख लेना चाहिए क्योंकि हमारा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का टू लाख का लॉस है ध्यान से समझिएगा ये बात ठीक है वी हैव अ लॉस ऑफ टू लाख फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जिसमें से हम आपको पता है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर दूसरे हेड से सेट ऑफ होता है हो सकता है ठीक है बट सिर्फ दो लाख तक हो सकता है अब यहां पर हमें ऑप्शन मिल रहे हैं कि हम सैलरी से सेट ऑफ करें उसको पीजीबीपी से करें वैसे पीजीबीपी से ज्यादा सेट ऑफ हो नहीं पाएगा मुझे लगता है क्योंकि ये जो पीजीबीपी का इनकम बचेगी ये ब्रॉड फॉरवर्ड से भी हो जाएगा हाँ पी जी में बचेगा नहीं तो आपकी सैलरी इनकम से सेट ऑफ करें या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से करेंगे ठीक है तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप किससे सेट ऑफ करेंगे सर सैलरी से करिए ठीक है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आपको देखना चाहिए कि मेरा टैक्स मिनिमम कितना कैसे आता है कि अगर हम सैलरी से सेट ऑफ करेंगे तो क्या हमारा टैक्स में ज्यादा सेविंग होगी या हम कैपिटल गेन से करेंगे तब सेविंग होगी तो हमें यहां पर यह देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ट्वेंटी परसेंट का टैक्स रेट लगता है ठीक है और सैलरी की इनकम के ऊपर स्लैब रेट्स लगते हैं क्योंकि नॉर्मल इनकम है नील भी है फाइव परसेंट भी है ठीक है स्लैब रेट लगेंगे ट्वेंटी भी है थर्टी भी है यानी कि अगर आप सैलरी से सेट ऑफ करेंगे तो शायद सिनारियो कुछ और होगा टैक्स की लाइबिलिटी कुछ और आएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करेंगे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ये बात समझ में आ रही है तो हमें देखना पड़ता है कि हम कौन से हेड से सेट ऑफ करें जिससे हमें मिनिमम टैक्स देना पड़े तो मुझे यहाँ पर ज्यादा ठीक लग रहा है कि आप वैसे तो बहुत हमें कैलकुलेशन करने के बाद ही ये इस पर्टिकुलर चीज कंसिडर करनी चाहिए कि हम कहा से इसको सॉल्व इसको सेट ऑफ करें बट फेस ही मुझे देख कर ये लग है कि आप टर्म से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्यों क्योंकि आपकी देखिए सैलरी इनकम ना बहुत ज्यादा नहीं है सिर्फ 470 है यानी कि आप थर्टी परसेंट के ब्रैकेट में तो जा ही नहीं रहे हैं थर्टी परसेंट के ब्रैकेट में तो आप जा ही नहीं रहे दस लाख ,00 से ऊपर की इनकम तो है ही नहीं यहाँ पर तो यानी कि अगर आप सैलरी से सेट ऑफ करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा ठीक है क्योंकि टैक्स नेल भी है फाइव परसेंट भी है ट्वेंटी परसेंट भी है बट अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से करेंगे तो सीधा सीधा आपको ट्वेंटी परसेंट का फायदा होगा क्योंकि सभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सीधा सीधा ट्वेंटी परसेंट टैक्स जाता है हाँ अगर ये सैलरी इनकम होती लेट ,00 ,00 से फोर्टीन लाख सेवेंटी थाउजेंड होती चौदह लाख होती दस लाख से ज़्यादा होती तो सैलरी से सेट ऑफ करने में मुझे अच्छा लगता क्योंकि थर्टी परसेंट मैं टैक्स बचा रहा हूँ बट यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से करें ठीक है सर एग्जाम में किसी से भी कर सकते हैं क्या नहीं आपको हमेशा ऑप्टिमम डिसीजन देना पड़ेगा अगर कुछ स्टूडेंट्स ठीक है सैलरी से सेट ऑफ हो सकता है मैं ये मना नहीं कर रहा कि नहीं हो सकता हो सकता है एक स्टूडेंट देखिए या फिर एक प्रोफेशनल उसको सैलरी से सेट ऑफ करता है ठीक है दूसरा प्रोफेशनल उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करता है मान लेते हैं यही वाली फिगर्स हैं तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से करेगा ना उसके एस एस सी का उसके क्लाइंट का टैक्स कम आएगा और जो सैलरी से करेगा उसका टैक्स ज्यादा आएगा तो इस केस में लॉन्ग टर्म वाला ज्यादा बेटर है तो नंबर भी हमें यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पर हमारे नंबर डिडक्ट हो सकते हैं तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हमारा मैक्सिमम बेनिफिट कब हो रहा है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है चलिए शुरू करते हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर ए आंसर फोर ए Computation of Total Income Can I may of Mr. Mayank Assessment Year twenty one twenty two Salary Income फोर सेवेंटी फोर लैख सेवेंटी थाउजेंड ठीक है हाउस प्रॉपर्टी टोटल लॉस आ रहा है लॉस ऑफ रुपीस टू लैख सिक्सटी थाउजेंड

ठीक है अभी देख लेते हैं सेट ऑफ कैसे करेंगे विथ लॉन्ग टर्म बता चल रहा है हमें लॉन्ग टर्म से करेंगे इसको सेट ऑफ नेक्स्ट है पीजीबीपी इनकम तो एक तो स्पेकुलेटिव बिजनेस एक्स से लॉस है एटी थाउजेंड रुपीस का और स्पेकुलेटिव बिजनेस वाई से प्रॉफिट है फोर्टी थाउजेंड रुपीज का ये देखा था हमने इसको तो हम सेट ऑफ कर देंगे स्पेकुलेटिव दे बिजनेस तो यहाँ से सेट ऑफ हो चालीस हजार की इनकम पूरी सेट ऑफ से हो जाएगी इसको नील बचेगी और बाकी का थाउजेंड लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस एक्स टू तो बी कैरिड फॉरवर्ड टू तो नेक्स्ट

ट्रेडिंग बिजनेस से इनकम कितनी हो रही है थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ की और हमारा एक ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है ठीक है प्लीज मुझे बताइएगा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड का इस बिजनेस लॉस को हम अपने ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं 550 का लॉस है क्या पूरा सेट ऑफ हो पाएगा नहीं सिर्फ 350 होगा ठीक है 15, 16 का ये असेसमेंट ईयर का लॉस है तो ये 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 20 सॉरी 21, 22 हम 21, 22 में यहाँ पर हैं हम लोग तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सिक्स ईयर है हम लोग इसको कर सकते हैं और फिर ये बाकी का नेक्स्ट ईयर भी जा सकते हैं क्योंकि इसको टोटल अभी आठ साल पूरे नहीं हुए हैं तो 550 वाले लॉस को हम यहाँ से सेट ऑफ़ कर देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 350 तो यहाँ से सेट ऑफ़ हो जाएगा ये तो निल ही बचेगा और रिमेनिंग remaining brought forward business loss of business loss of rupees two lakh shall be carried forward उसको हम carry forward कर देंगे ठीक है तो हमारा salary income हो गया losses हमने ले लिए speculative ले लिया profit ले लिया training business भी ले लिया और हमने ब्रॉड फॉरवर्ड वाले भी ले लिए ठीक है अब नाउ अभी इंटरेस्ट फ्रॉम पीपीएफ तो आई एफ बट पहले कैपिटल गेन देख लेते हैं कैपिटल गेन की इनकम टू लाख टेन थाउजेंड की थी लॉन्ग टर्म एक थ्री लाख रुपीज की थी और एक लॉस था और लॉस शॉर्ट टर्म है वो सेट ऑफ हो सकता है आराम से तो हमारा कैपिटल गेन की इनकम सो वी हैव कैपिटल गेन इनकम एक तो हमारा था सेल ऑफ वेकेंट लैंड एल टी सी जी लैंड के ऊपर आ रहा था टू लैख टेन थाउजेंड टू लैख टेन थाउजेंड और दूसरा एल टी सी जी ही इनहैंस कंपनसेशन है इनहेंस्ड कंपनसेशन मिली है थ्री लाख रुपीस की तो इसको भी कर लिया और इसको भी कर लिया थ्री लाख रुपीस ये दोनों इनकम इसमें से एक हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है उसको सेट ऑफ कर लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितने का था वो अमाउंट वन फिफ्टी तो ये वन फिफ्टी वाला भी इससे सेट ऑफ हो जाएगा पूरा का पूरा ये करते दे, कर देते हैं कुछ कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी हमारे पास है पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टू लाख टेन थाउजेंड प्लस थ्री लाख फाइव लाख टेन थाउजेंड माइनस वन फिफ्टी सो दिस इज थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड हमारी ये इनकम बचिए ठीक है ठीके? और हमने एक बात डिस्कस की थी जो हमारा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो हम किससे सेट ऑफ करें मुझे बताइए सैलरी से भी हो सकता है और वो कैपिटल गेन से भी हो सकता है बट सैलरी से, से करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा आपका जो टैक्स बने बचेगा एक तो क्योंकि स्लैब रेट्स हैं शुरू के 2.5 लाख पर नैल नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5 परसेंट और शुरू बस 5 लाख तक तो यही आ रहा तो तो है मतलब कि पाँच लाख से भी कम है ट्वेंटी परसेंट भी टैक्स सेव नहीं हो रहा है यहाँ पर तो अच्छा रहेगा ये लॉस आप इससे सेट ऑफ़ करें और आपको नंबर भी तभी मिलेंगे जब आप इससे सेट ऑफ़ करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आउट ऑफ रुप आउट ऑफ विच जो दो लाख का लॉस था विल बी सेट ऑफ फ्रॉम विल बी सेट ऑफ फ्रॉम एल टी सी जी उसको हम एल टी सी सेट ऑफ़ करेंगे हाउस प्रॉपर्टी में तो कोई इनकम नहीं बची आपकी बल्कि साठ हजार का लॉस था जो हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे पक्का साठ हजार समझ में आता है ना और टू लाख का हम लोग सेट ऑफ करेंगे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस यहाँ से इसमें से लेस कीजिए एच पी लॉस सेट ऑफ 2 लाख यहां से सेट ऑफ करेंगे तो ये बच जाएगा हमारा 1 लाख 60,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ठीक है बिजनेस इनकम तो आपकी निल्ली आ रही थी पक्का ठीक है और 40,000 का कैरी फॉरवर्ड भी करना है आगे इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ इसको एक्जेम्ड करिए आईएफएस की इनकम है आई में जाता अगर टेक्सीबल होता बट ये एग्जैम्ट है आई एफ एस पी पी एफ इंटरेस्ट एग्जैम्ट लिख दीजिएगा पक्का समझ में आ रहे ओके सो दिस इज माई जी टी आई ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है देखिए ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कर लिया है इंटरेस्ट ऑन पी पी एफ भी हो गया है एक्सम्ड अब सिर्फ एट्टी जी की डोनेशन वाली बातें बची हैं पर अभी हम जी टी आई कर लेते हैं दिस इज़ फोर लाख सेवेंटी थाउजेंड हाउस प्रॉपर्टी में जीरो पी जी बी नल और कैपिटल गेन वन सिक्सटी फोर लाख सेवेंटी थाउजेंड प्लस सब कुछ निल निल है वन सिक्सटी बस ऐड कर दीजिए सिक्स लाख थर्टी थाउजेंड सिक्स लाख थर्टी थाउजेंड आपका जीटी आ गया अब इसमें से लेस कीजिएगा डिडक्शंस और यहाँ पर एटी जी की डिडक्शन आ रही है एक अब एटी जी की डिडक्शन कितनी होती है एटी जी की डिडक्शन यहाँ पर होगी लोअर ऑफ द फॉलोइंग ठीक है आपको याद होगा एट्टी जी की डिडक्शंस ठीक अगर नेशनल डिफेंस फंड्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती नेशनल स्पोर्ट्स फंड वगैरह तो हंड्रेड परसेंट मिल जाती है कोई क्वालीफाइंग लिमिट चेक नहीं करते ठीक है राजीव गांधी फाउंडेशन है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड है जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी मेमोरियल फ़ंड वगैरह वहाँ पर फिफ्टी मिलती है ठीक है और फिर हंड्रेड मिलती है इंडियन ओलंपिक्स को या फैमिली प्लानिंग के लिए दिया तो हंड्रेड परसेंट विद क्वालिफाइंग लिमिट और बाकी जगह पर अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह में फिफ्टी परसेंट ऑफ द अमाउंट डोनेटेड और फिफ्टी परसेंट ऑफ क्वालीफाइंग लिमिट ठीक है तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग सबसे पहले 50 परसेंट ऑफ अमाउंट डोनेटेड जितना भी आपने अमाउंट डोनेट किया है उसका 50 परसेंट और 50 परसेंट ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट क्वालिफाइंग लिमिट अब यहां पर 50 परसेंट ऑफ द अमाउंट डोनेटेड कितना है अमाउंट डोनेटेड लाख टेन थाउजेंड तो वन लाख टेन थाउजेंड का फिफ्टी परसेंट तो एक लाख दस हजार था का फिफ्टी परसेंट आ जाएगा वन लाख टेन थाउजेंड का फिफ्टी परसेंट काफी अच्छा क्वेश्चन है ये फिफ्टी फाइव थाउजेंड और फिफ्टी परसेंट ऑफ द क्वालिफाइंग लिमिट क्वालिफाइंग लिमिट कैसे निकालते थे आप लोग तो नीचे आप लोग आ, मैं वर्किंग नोट बना देता हूँ वर्किंग नोट क्वालिफाइंग लिमिट इसको वन दे देते नाम क्वालिफाइंग लिमिट होती है 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई आपके एडजस्टेड जीटीआई का 10% ठीक है और जीटीआई एडजस्टेड जीटीआई में क्या करते थे एडजस्टेड जीटीआई में करते थे एडजस्टेड जीटीआई होता है जीटीआई माइनस एलटीसीजी माइनस ट्रिपल वन ए माइनस ऑल डिडक्शंस याद आता है आपको एडजस्टेड जीटीआई एल टी सी जी माइनस ट्रिपल वन ए माइनसटेड जी टी आई जी टी आई कितना है जी टी आई था हमारा अभी हमने कैलकुलेट भी किया था सिक्स थर्टी सिक्स लाख थर्टी थाउजेंड में से एलटीसी जी माइनस कर दीजिए एलटीसी जी वन सिक्सटी ठीक है ना एल टी सी जी वन सिक्सटी वन सिक्सटी ट्रिपल वन ए वगैरह नहीं है ठीक है ट्रिपल वन ए इनफैक्ट यहाँ पे माइनस वन वन टू ए भी करते हैं ठीक है कैजुअल इनका माइनस नहीं करते यहाँ से एडजस्टेड जीटी एल टी सी जी ट्रिपल वन ए वन वन टू ए वन वन टू ए मैंने इसलिए भी अलग नहीं लिखा था क्योंकि एल सी जी में दोनों ही कवर्ड होते हैं वन वन टू बी और वन वन टू ए दोनों वन वन टू और वन वन टू ए दोनों ही एल टी सी जी में कवर्ड है पर फिर भी मैंने वन वन टू ए अलग से भी लिख दिया और ऑल डिडक्शन फ्रॉम एट्टी सी से एट्टी यू तक सारी डिडक्शन जो भी आपने लिए वो सब माइनस कीजिए एक्सेप्ट एट्टी जी बट यहाँ पर कोई डिडक्शन थी नहीं तो ये सब कुछ तो है नहीं यहाँ पर तो सिर्फ एल टी सी जी था वन सिक्सटी ये और हमने माइनस कर दिया तो ये आ जाता है टेन परसेंट ऑफ सिक्स लाख थर्टी थाउजेंड माइनस वन सिक्सटी फोर लाख सेवेंटी थाउजेंड टेन परसेंट आता है फोर्टी सेवन थाउजेंड रुपीज तो दिस इज क्वालिफाइंग लिमिट ये क्वालिफाइंग लिमिट है हमने क्वालिफाइंग लिमिट के लिए वर्किंग नोट नंबर वन बना लिया परसेंट ऑफ फोर्टी सेवन थाउजेंड ट्वेंटी थ्री थाउजेंड दिस इज ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है जी इन दोनों में से विच एवर इज लोअर एट्टी जी की डिडक्शन मिलेगी लोअर ऑफ द फॉलोइंग फिफ्टी फाइव थाउजेंड या ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड विच एवर इज लोअर सो दिस थाउजेंड फाइव हंड्रेड की एट्टी जी की डिडक्शन मिल गई एंड सिक्स लाख सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड की आपकी टोटल इनकम आ जाती है तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन की जो पूछा गया था टोटल इनकम कितनी है तो दिस सिक्स लाख सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है ऑल दो मैंने कैरी फॉरवर्ड की बातें यहाँ पर ही लिख दी हैं बट अच्छा रहेगा कि आप नीचे एक और नोट दे, दे देंगे और लिख देंगे कि हमारे कुछ दो लॉसेज हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं एक तो हमारा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में और एक हमारा पी का टू लाख रुपीज़ वाला कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं दिस इज आंसर फोर ए इनफैक्ट मैं आपको ना ये मेरी वर्किंग भी आपको लिंक के थ्रू मैं दे दूंगा ये फाइल तो यू कैन डाउनलोड दिस फाइल एज वेल यहाँ पर ये मैं लिख रहा हूँ ठीक है मैं चेंज कर रहा हूँ स्क्रीन ओके अगेन चेंजिंग इट पर कीजिएगा ठीक है ओके दिस इज वर्किंग नोट ओके लेट्स कम टू बी पार्ट फोर्थ का बी पार्ट दिस क्वेश्चन से इज सुरेश गिफ्टेड रूपीज टेन to his wife Shagun on her birthday on 29th February 2020. Okay, so previous year 1920 में इन्होंने Mr. Suresh ने 10 lakh rupees gift कर दी अपनी wife को ठीक है Shagun lent such amount to Kinchal on 1st April 2020 for six months on which she received interest of 75,000. अब हम लोग जानते हैं ये clubbing का क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने स्पाउस को कोई असेट गिफ्ट कर देता है विदाउट एडिकुएट कंसिडरेशन तो उसके ऊपर जो भी इनकम रिसीव हो रही है वो वापस क्लब हो जाएगी इंडिविजुअल के हाथों में तो यहाँ पर टेन लाख रुपीज गिफ्ट किए गए वाइफ को और वाइफ ने इसको किसी और को लेंट कर दिया उससे इनकम जनरेट हुई सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज क्लब होने वाली है सुरेश के हाथों में आप क्लबिंग की प्रोविजन यहाँ पर लगा दीजिएगा

यानी कि 90 था, ट्रिपल वन एक ही आ रही है, है क्वेश्चन का जो कैपिटल गेन आ रहा है क्या ये भी क्लब होगा द आंसर इज नो बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि असेट अगर ट्रांसफर हुआ है असेट के ऊपर जो इनकम आई है दिस इनकम शैल बी क्लब्ड इन देंड्स ऑफ ट्रांसफर बट इस इनकम के की वजह से अगर आपने कोई एक्स्ट्रा इनकम ऐन करी है इनकम के ऊपर अगर कोई इनकम ऐन करी है दैट शेल नॉट बी क्लब्ड ठीक है तो हम लोग इसको एक फ्रेज से जानते हैं दैट इनकम फ्रॉम क्लब्ड इनकम ये फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज की इनकम कैसे हुई है फिफ्टीन थाउजेंड समझ में आया नाइनटी थाउजेंड रुपीज शेयर सेल ऑफ कर दिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन परचेज करते सेवेंटी फाइव पंद्रह हजार की जो इनकम हुई है ये किससे आई क्लब्ड इनकम की वजह से इसको क्लब नहीं किया जाएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहे इन हुज हैंड्स द अब इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी को किसके हाथों में इंक्लूड होगी सपोर्ट योर आंसर विद ब्रीफ रीजन तो एक तीन मार्क्स का क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन है आपको सिंपल रीजन देकर यहाँ पर ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप दिस इज फोर्थ बी तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ आप ऐसा कर लीजिएगा आंसर फोर बी तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट इनकम की बातें करेंगे इंटरेस्ट इनकम रुपीज सेवेंटी फाइव थाउजेंड इसको आप लिख सकते हैं कि इसकी क्लबिंग हो जाएगी इसकी आप क्लबिंग कर सकते हैं क्योंकि ये क्यों इनकम आई है बिकॉज जो असेट ट्रांसफर किए गए हैं द असेट विच वर ट्रांसफर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ठीक है आप लोग उसको ठीक से लिख लीजिएगा जो असेट्स ट्रांसफर किए गए हैं उसके ऊपर इनकम जनरेट हुई है और ये एसेट्स जब ट्रांसफर किए गए थे इट वॉज विदाउट कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर किए गए थे तो ये इनकम आप क्लब कर दीजिएगा वापस ट्रांसफर के हाथों में मिस्टर सुरेश के हाथों में तो ये इतनी इनकम तो क्लब हो जाएगी अब जो हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है नाइन्टी थाउजेंड में बेच दिया गया शेयर सेवेंटी फाइव थाउजेंड में परचेज किया गया था एस पे हुआ है यानी कि ट्रिपल वन ए है ये इनकम फिफ्टीन थाउजेंड की क्या इसको क्लब करना है द आंसर इज नो आप इसको क्लब नहीं करेंगे फिफ्टीन थाउजेंड की इनकम को क्लब नहीं करेंगे बिकॉज ये इनकम आप लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम क्लब्ड इनकम अगर कोई भी इनकम हुई है कहां से फ्रॉम क्लब्ड इनकम से इट शेल नॉट बी क्लब्ड ठीक है क्लब्ड इनकम से अगर कोई इनकम आती है शेल नॉट बी क्लब्ड तो इसको आप क्लब नहीं करेंगे और ये यहाँ पर इनकी वाइफ की इनकम बनेगी मिस्टर सुरेश की इनकम नहीं बनेगी ठीक है तो आप सिंपल लिख सकते हैं बातें फोर बी काफी इजी क्वेश्चन था आई बिलीव क्लबिंग तो वैसे भी इजी चैप्टर होता है आपको अच्छे से आता है चैप्टर ये ओके नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सी पार्ट स्टेट इन ब्रीफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स प्रोविजन यानी कि टी का चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है द रेट आपको बताना है कि टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे या नहीं लगेंगे कितना रेट और अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन इन द फॉलोइंग केसेस तो सिंपल है चार नंबर का क्वेश्चन है दो पार्ट है मतलब दो नंबर टू मार्क्स ईच है तो आपको बताना है कि टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे या नहीं लगेंगे और अगर लगेंगे तो टीडीएस का रेट क्या होगा और अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड ठीक है फॉर द फाइनेंशियल ईयर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एज्यूम दैट ऑल पेमेंट्स आर मेड टू रेजिडेंट्स रेजिडेंट्स को पेमेंट की गई है नॉन रेजिडेंट्स को नहीं की गई है ठीक है ओके फर्स्ट पॉइंट सेज विकास एन इंडियन रेसिडेंट एंड सैलरीड इंडिविजुअल ओके विकास एक सैलरीड इंडिविजुअल है सैलरीड एसएससी है इसने पेमेंट किया 15 लाख इन जनवरी 21 30 लाख इन फेब 2021 एंड 15 लाख इन मार्च 21 किसको पेमेंट करा नवीन को एक कॉन्ट्रैक्टर को फॉर रीकंस्ट्रक्शन ऑफ हिज रेसिडेंशियल हाउस ओके अब आपको बताना है कि मिस्टर विकास जो एक सैलरीड असेसी हैं, सैलरीड असेसी हैं, इन्होंने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए टोटल कितने पैसे पे किए फिफ्टीन लाख प्लस थर्टी प्लस फिफ्टीन पंद्रह लाख प्लस तीस लाख प्लस फिफ्टीन लाख यानी कि सिक्सटी लाख रुपीज की पेमेंट हुई है जनवरी फेबर मार्च में क्या टी के प्रोविजन आएंगे द आंसर इज येस अच्छा आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर एक सेक्शन फोर सी होता है यहाँ पर लगेगा लगेगा द आंसर इज नो तो तो नहीं लगेगा. क्यों क्योंकि मेनली तो होता है जो हम अपने बिजनेस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं और इंडिविजुअल सिर्फ वही लोग कवर्ड है जिनके अकाउंट्स लास्ट ईयर ऑडिट होने जरूरी होते हैं ठीक है बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है रीजन बींग क्योंकि यहाँ पर तो ही इज अ सैलरीड अलरी सैलरी सैलरीड सी थे ठीक है इनका कोई टर्नओवर ही नहीं होगा लास्ट ईयर का तो क्या इनके ऊपर भी टीडीएस के प्रोविजंस आएंगे वी नो दैट वी हैव अ सेक्शन 194 एम तो 194 एम कहता है कि दोज इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर उनके अकाउंट्स वगैरह का टर्नओवर इतना ज्यादा नहीं है ऑडिट वगैरह की जरूरत नहीं है तो 194 एम यह कहता है कि आप अगर 194 सी में कवर्ड नहीं होते हैं और अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज़ का या फिर कॉन्ट्रैक्ट के लिए 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का तो आपको टी की डिडक्शन आपको करनी पड़ेगी कितना होता है अमाउंट फिफ्टी लाख रुपीज़ से ज़्यादा का अमाउंट अगर आपने पे किया और यहाँ पर आपने पूरे साल में कितना पे किया है फ़िफ्टीन लाख थर्टी लाख और फिफ्टीन लाख यानी कि सिक्सटी लाख पे कर दिया और आप वन एम में जानते हैं कि टी डी एस का रेट होता है फाइव परसेंट और पेंडेमिक की वजह से ये रेट कर दिए गए थे 3.75 परसेंट तो यहाँ पर टी के प्रोविजंस लगेंगे द आंसर इज यस सेक्शन कौन सा आएगा 194 नाइनटी आएगा सेक्शन रेट क्या रहेगा जनरल रेट वैसे 5 परसेंट होता है बट पेंडेमिक की वजह से उसको 3.75 परसेंट कर दिया गया है और अमाउंट कितना आएगा 60 लाख रुपीस का 3.75 परसेंट कर दीजिएगा तो ये आएगा 60 लाख का 3.75 सॉरी टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज टू लाख ट्वेंटी और पॉइंट है अच्छा और एक और बात समझ लीजिए जब फर्स्ट पेमेंट प्रैक्टिकली मैं बता देता हूं आपको जब फर्स्ट पेमेंट जनवरी में करेंगे तब कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि अभी पचास लाख से ऊपर नहीं गया अमाउंट थर्टी लाख का जब पेमेंट करेंगे फेबर में यहां पर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा तो फिफ्टीन लाख और थर्टी लाख तो पे कर दीजिए बिना बिना टीडीएस डिडक्ट बट जब आप यहाँ पर मार्च में पेमेंट कर रहे होंगे क्योंकि 50 लाख से ऊपर चला गया है अब अमाउंट अब टी डी एस डिडक्ट होगा क्या सिर्फ फिफ्टीन लाख पर नहीं सर फिर तो पूरे अमाउंट के ऊपर होगा फिफ्टीन प्लस थर्टी प्लस पंद्रह लाख यानी कि फिर तो साठ लाख के ऊपर हम थ्री पॉइंट सेवन फाइव परसेंट का टी डी एस डिडक्ट करेंगे टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यानी कि जब आप पंद्रह लाख की पेमेंट कर रहे होंगे ना तो इसमें से टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का टी डी एस डिडक्ट करना वो एक्चुअली इस क्वेश्चन में लिखना नहीं है बट सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ठीक है आपके कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ तो यहां पर सिर्फ हमें बताना टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे एम लगेगा रेट रेट जनरल है बट कोविड पेंडेमिक की वजह से थ्री पॉइंट सेवन फाइव कर दिया गया है उसको और अमाउंट ऑफ टैक्स टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आने वाला है सेकेंड पॉइंट कहता है एबीसी लिमिटेड मेक्स दू लाख फिफ्टी थाउजेंड टू गौरव तो एबीसी लिमिटेड कंपनी है इन्होंने पेमेंट करी है टू लाख फिफ्टी थाउजेंड टू गौरव गौरव कौन है

बट ही डज नॉट फर्निश पैन नंबर अब क्वेश्चन बहुत अच्छा दे दिया कि इनके पास पैन नंबर नहीं था अगर इन्होंने पेन नंबर फर्निश नहीं कराया ठीक है थीके? तो यहाँ पर वन नाइन्टी फोर सी में टी डी एस डिडक्ट हो जाएगा ठीक है कब नहीं होता अगर ये पेन नंबर फर्निश कर देते क्योंकि इनके पास दस से ज़्यादा व्हीकल्स नहीं थे हम टी डी एस डिडक्ट नहीं करते वन नाइन्टी फोर सी में बट नाव वी एल गोइंग टू डिडक्ट वन नाइन्टी फोर सी में टी डी एस डिडक्ट करेंगे और वन नाइन्टी फोर सी में टी डी एस का रेट क्या होता है वन परसेंट भी होता है टू परसेंट भी होता है और पेंडेमिक की वजह से आपको पता है इसमें से वन फोर्थ को हम रिलैक्सेशन भी दे देते हैं बट यहाँ पर हम टी डी एस डिडक्ट होगा कितना होगा ट्वेंटी परसेंट ठीक है तो यहाँ पर तो ट्वेंटी परसेंट होगा अगर आप पैन नंबर नहीं देते हैं टी डी एस का रेट जो जनरल रेट होते हैं या ट्वेंटी परसेंट विच एवर इज हायर तो ट्वेंटी परसेंट का टी डी एस डिडक्ट होगा और क्या कोई पेंडेमिक की वजह से रिलैक्सेशन मिलती है फिर ट्वेंटी परसेंट द आंसर इज नो फिर तो सीधा सीधा ट्वेंटी परसेंट डिडक्ट हो जाता है तो यहां पर टीडीएस के प्रोविजन आएंगे आंसर येस. आएगा ठीक ठीक है, है, रहेगा ओके ट्वेंटी परसेंट आपको याद रहना चाहिए और टू लाख फिफ्टी थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट यानी कि पचास हजार रुपए का अमाउंट का टी डी एस डिडक्ट होगा इस केस में सो दिस वॉज अबाउट इनकम टैक्स का वाला पार्ट अब नेक्स्ट पार्ट हम लोगों को डिस्कस करना है इनडायरेक्ट टैक्सेस का जीएसटी का नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ठीक है तो आई बिलीव आप सब ने मेरे साथ ये कंप्लीट किया होगा मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें कवर की हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा कर ठीक है बट जब आप सॉल्व करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं ठीक है प्रोवाइडेड आपका कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा ठीक है तो ठीक है और आप प्रैक्टिस भी करिए आपने प्रैक्टिस करना देखिए बहुत ज़रूरी है और ये मॉक टेस्ट पेपर और नॉर्मल टेस्ट करना भी जा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपको कॉन्फिडेंट फील होगा एग्जामिनेशन में भी और आगे भी इनफैक्ट सिर्फ एग्जामिनेशन में नहीं बाद में भी आप लोगों को बहुत ज्यादा ये काम आने वाला है ठीक है चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम जीएसटी को डिस्कस करेंगे तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर